सर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ फिर से आज के वेबिनार में आपका, और बहुत भाई सब धन्यवाद। सभी पार्टिसिपेंट एक्साइटेड हैं आज के वेबिनार को लेकर। तो हाँ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका उद्यमिता हेल्पलाइन के इस प्लेटफॉर्म पर। सर मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारा Q&A सेशन होता है वेबिनार के लास्ट में, जितने भी पार्टिसिपेंट के क्वेश्चन होते हैं उनको पुट अप किया जाता है आपके थ्रू। आप उनका बिल्कुल आंसर्स देंगे। वेबिनार के लास्ट 15 to 20 मिनट्स Q&A सेशन चलता है। तो बिल्कुल मैं ठीक, सर बिल्कुल। आपसे गुजारिश करना चाहूंगी, हम अपना वेबिनार स्टार्ट कर सकते हैं? बिल्कुल हाँ जी बिल्कुल, सर, इट्स अप टू यू सर। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स टू इंट्रोड्यूस मी एंड दो जितने भी आए हुए यहाँ पे हमारे अपना अपना समय निकाल के, बिकॉज ज्यादातर बिजनेस लोग हैं और बिजनेस जी पर्सन के लिए समय निकालना ही सबसे इंपॉर्टेंट टास्क होता है, और कुछ चीज सीखने के लिए या कोई भी चीज को अभी क्या मार्केट में चल रहा है अपडेट रहने के लिए, ये जो इन्फॉर्मेशन हम लोग देते हैं आपकी हेल्प से, जो आपका उद्यम हेल्पलाइन है उसकी हेल्प से लोगों को पता लग रहा है कि मार्केट में क्या चल रहा है। अभी बिजनेस लोन क्या है कि अब काफी लोगों को पता है मेजरली क्या क्या कंटेंट्स होते हैं, किस्त के थ्रू लिया जाता है, लेकिन जो चैलेंजेस आते हैं उनको कैसे बाईपास किया जाए, उनको कैसे सरफेस किया जाए, उसी के लिए प्रेजेंटेशन बेसिकली ये बनाई गई है। तो बिजनेस लोन की प्रेजेंटेशन में आज जो हम जो कवर करेंगे, इसके अंदर हमारा प्रोस्पेक्ट है एक नंबर पे, कौन कौन से लोग इसमें ले सकते हैं, क्या पैरामीटर्स होते हैं, कोई भी बैंक और एनबीएफसी में जब आप अप्लाई करते हो तो बैंक्स के कौन से ऐसी चीजें होती हैं जो आपको पैरामीटर्स आपके पास क्वालिफाई करते हैं उस लोन को लेने के लिए, बिजनेस लोन के एडवांटेजेस क्या है जो मार्केट में और भी लोन्स होते हैं उसके लिए, और बिजनेस लोन में हमारे पास ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी होती है जिसमें आप अपना पर डे का हिसाब से आप इंटरेस्ट देते हैं वो भी है, और रिजेक्शन है वो किस रीजन से, मेजर रिजेक्शन किस रीजन से होते हैं किसी भी बैंक और एनबीएफसी में उसका है, एंड उसके बाद हमारे पास क्या सॉल्यूशन है उन सब रिजेक्शंस का, वो अब आपके लास्ट में हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि अभी स्टार्ट करते हैं, तो प्रोस्पेक्ट ऑफ बिजनेस लोन में व्हाई वी नीड बिजनेस लोन और अनसिक्योर्ड लोन में अगर मैं जाता हूँ तो इसको हम थोड़ा सा कवर अप जल्दी करते हैं। टू एक्सपेंड आर बिजनेस, हमारा जो बिजनेस है उसको एक्सपेंड करने के लिए लेते हैं, इन्वेंट्री को इंक्रीज करने के लिए लेते हैं, अपने नया हायर रिक्रूटमेंट करने के लिए जो भी इम्प्लॉयज होते हैं जो कि उनके बेसिस ऑन दैट कि क्या उनकी बैंडविथ है उसके हिसाब से, अपने कैश फ्लो को इम्प्रूव करने के लिए और अपनी लोकेशन है उनको एनहेंस करने के लिए, इम्प्रूव मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के लिए, टू अनपेड जो इनवाइसेज होती है हमारे जो डेटर्स हैं क्रेडिटर्स हैं उनके जो मैचअप करने के लिए, बिकॉज कई बार क्या होता है डेटर से पैसे नहीं आ रहे हो, हमें क्रेडिट को सप्लाई अपने करनी है तो वहां पे लेन दे है। अपडेट जो हमारा जो इक्विपमेंट्स है उसको आगे अपग्रेड करने के लिए लेते हैं शॉर्ट टर्म फंडिंग में, जहाँ पे मशीन ज्यादा बड़ी नहीं आती है जस्ट उसकी कुछ एनहेंसमेंट करनी है मोटर की या किसी और चीज की, एंड टू सर्व अनप्रिडिक्टेबल ऑर्डर्स, एकदम से कोई ऑर्डर ऐसा बड़ा आ गया और आप उसको सर्व नहीं कर पा रहे जो आपका कैश फ्लो उसको नहीं कर रहे, और ये फ्रीक्वेंट लोन है और इसमें कंपटीशन को कम करने के लिए भी, बेसिकली अगर कंपटीशन ज्यादा हो रखा है और आपका मार्जिन कम है तो आपको अपने टर्नओवर इंक्रीज करनी चाहिए, तो टर्नओवर के लिए कैश फ्लो चाहिए होता है, ये है। बिजनेस लोन जो है एक लेजिमेट मनी है, आपको किसी से अरेंजमेंट नहीं कर रहे, एक प्रॉपर एक बैंक एक नॉर्म्स के थ्रू आता है तो इसमें आपका आईटी वाले का सारा चीजें असाइन रहती हैं और बैलेंस शीट को भी मेंटेन करता है आपकी कैश फ्लो को, और जो आपकी बैलेंस शीट में जो चेंजेस होते हैं उसको भी मेंटेन करता है। अभी मैं दूसरे आता हूँ, तो बिजनेस लोन का लोन और टेन्योर अगर आप मोटा मोटा बात करो, अभी मैं तेवड़ा आपको अगर तेज लग रहा होगा तो आप मुझे बीच में बोल सकते हैं, मेरा पर्पज ये है कि हमारे को जो कंटेंट जहाँ पे आप लोग को जहाँ पे मुझे पता है जरूरत ज्यादा होती है उसको हम थोड़ा एनलार्ज करेंगे, जो ऐसे जेनरिक बातें हैं वो उसको मैं थोड़ा तेज से कवर अप कर रहा हूँ, तो मेरा है कि आप लोग का टाइम जो आपने प्रीशियसली दिया है उसके अंदर आप लोग भी समझ पाए कि हम लोग कि समझ पाए कि हम लोग क्या चीज के ऊपर मेजर फोकस होके आपके जो बेनिफिट्स हैं उसको हम ज्यादा एनलार्ज कर पाए। तो यूजुअली जो बैंक्स हैं और एनबीएफसीज हैं ये 3 साल का ही बिजनेस लोन ऑफर करते हैं, और आप कभी भी फ्रेश लोन लेने जाओगे तो कोई भी आपको 3 साल से ऊपर का नहीं देगा, 36 मंथ का ही लोन आपको ऑफर किया जाता है, बट आप जैसे जैसे आप इसको एनहेंसमेंट लेते रहेंगे आफ्टर ए ईयर 1 साल के बाद ही आप एनहेंसमेंट ले सकते हैं, तो फिर आपका ये जो टेन्योर है ये 5 साल के लिए हो जाएगा, जो लोन का मैक्सिमम पीरियड है वो 5 साल हो जाएगा। आरओआई रेट ऑफ इंटरेस्ट, बहुत लोगों को है कि बिजनेस लोन बहुत महंगा होता है हमें नहीं चाहिए, तो आज इस पे भी बात करेंगे, और आप लोग लास्ट में मेरे से पूछना कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आप तो इतना बता रहे थे कैसे है, तो अभी मैं इसका अभी आपको इनिशियली बता रहा हूँ कि 12% पर एनम का स्ट्रक्चर बेसिस पे एक लोन होता है बिजनेस लोन के अंदर, वो हम ऑफर करते हैं फॉर 36 मंथ, और जो बेस्ट रेट स्टार्ट होते हैं वो 14% ऑनवर्ड से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो अभी कई लोगों को है, लेकिन इसमें 14% वाला जो बैंक्स के रेट्स होते हैं बहुत ही कम होते हैं, मतलब इसमें जो सिलेक्शंस होता है लोगों का इसमें काफी कम होते हैं, उसके बाद फिर आगे जो फंड अगर आप मेजर मार्केट देखोगे जो बैंक और एनबीएफसी की जहां पे आके होती है
वो हमारी 18 टू 24 के बिटवीन फॉल करती है। 18% रिड्यूसिंग पे काफी सारे बैंक और एनबीएफसी ऑफर करते हैं इसी के आसपास में, एवरेज कहीं कुल मिला के लोगों का यही पड़ता है। और द सेकंड लाइन ऑफ एनबीएफसी जो होती है जिसमें हमारे थोड़े से अभी मैं बात कर रहा था रिजेक्शन की, तो जो उसको क्वालिफाई करते हैं वो 20 से 36 के अंदर वेरी करते हैं। आप अगर क्रेडिट कार्ड का आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पता हो तो वो लोग लिखते हैं 3.25 पर मंथ, तो मैं उसको आपको उस तरीके से कुछ वैसा गिमिक नहीं दे रहा, मैं जो है जो चीज है स्ट्रक्चर में वही आपको बता रहा हूँ कि 20 से 36 पर एनम है। इसमें आपको कोई समझने में कोई गिमिक्स हम लोग नहीं करना चाहते जिससे कि आप लोग को बाद में कंफ्यूजन हो कि नहीं सर आपने ऐसा बताया और एक्चुअली ये, बिकॉज ये जो लैंग्वेज है ये बैंक की लैंग्वेज होती है, जो रिड्यूसिंग पे आपको बैंक शेड्यूल ऑफर करता है या सेंक्शन देता है ये वही रेट्स है। तो इसके बाद अगर मैं अभी आता हूँ कि पैरामीटर्स क्या क्या क्वालिफाई होते हैं किसी भी बैंक के लिए, तो इसमें आते हैं तो अभी पहले कितनी तरह की फर्म्स होती हैं, आपकी एंटिटी होनी जरूरी है। अब इसमें आप इंडिविजुअल नाम पे भी लोन ले सकते हो लेकिन आपका करंट अकाउंट होना चाहिए इंडिविजुअल नाम पे भी। फिर प्रोप्राइटरशिप फर्म होती है जो नॉर्मल रहती है, हिंदू HUFL जो फैमिलीज हैं, अभी एक टाइम पे इनका बहुत ज्यादा मार्केट में रहता था कि एवरी फैमिली के अंदर ये रहती थी, अभी डे बाई डे इसका उतना कंसर्न नहीं रह गया और लोग अपनी खुलवाते हैं, लेकिन अभी भी जो आप दिल्ली 6 की मार्केट है या जो पुराने हैं लोग जरूर HUF के एक अकाउंट खुलवाते हैं। पार्टनरशिप बहुत फैमिलियर है, रजिस्टर्ड नॉन रजिस्टर्ड दोनों ही होती है। LLP अभी फॉर 4-5 ईयर से बहुत ज्यादा एक्टिव हो गई है, काफी लोग अभी LLP में जा रहे हैं और ये लोन्स के लिए अभी काफी क्वालिफाई कर रहे हैं, इनिशियली जरूर दिक्कत थी। ऐसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी काफी कॉमन चीज है। लिमिटेड कंपनी में जो नॉन लिस्टेड, यहाँ पे लिस्टेड और नॉन लिस्टेड में दो कैटेगरी में डिफाइन किया गया है। इसमें लिस्टेड जो है वो BSE और NSE में जो लिस्टेड होती है, IPO के थ्रू जो रजिस्टर्ड होती है उसकी वजह से लिस्टेड नॉन लिस्टेड किया गया है। फिर सोसाइटी एंड ट्रस्ट, जो भी हम NGO और ट्रस्ट होते हैं, स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, उनको स्कूल सोसाइटी एंड ट्रस्ट में डालते हैं। एंड AOP होते हैं, इसमें आपको बहुत कम फर्म्स मिलेंगे, जैसे LNT है वो AOP है, तो ये फर्म्स आते नहीं है। अभी मैं इसमें हम बात करेंगे कि अभी कौन कौन सी लिस्ट में दिक्कत आती है। तो जो एंटिटी की 250 करोड़ से ऊपर की टर्नओवर होती है उनको बिजनेस लोन लेने में दिक्कत आती है, तो ये आपका एक पहला हर्डल है जिसके अंदर ये दिक्कत है। उसके बाद HUF को अनसिक्योर्ड लोन लेने में दिक्कत आती है, रीजन बीइंग उसमें जो कर्ता होता है और जो पार्टनर्स होते हैं उनके थ्रू सारी चीजें एक लीगल एंटिटी में फ्रेम दिक्कत आती है बैंक को क्लेम लेने में, तो इस वजह से भी दिक्कत आती है। उसके बाद 8 पॉइंट 9 पॉइंट 10 पॉइंट, ये तीनों तरह की जो फर्म्स होती हैं इनमें भी दिक्कत आती है। तो लिमिटेड जो लिस्टेड है उनको हम अनसिक्योर्ड लोन नहीं दे सकते, ये एक बैंक का पैरामीटर होता है। सोसाइटी ट्रस्ट को हम अनसिक्योर्ड लोन नहीं दे सकते बिकॉज ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं। और AOP जो है वो उनको भी नहीं देते बिकॉज वो बहुत लार्ज एंटिटी होती है, कोई छोटा ग्रुप नहीं होता है, तो वहां पे भी ये ज्यादातर अनसिक्योर्ड नहीं रहते। तो आप अगर देख रहे होगे तो मैंने जो 10 कैटेगरीज की हुई थी उसमें से हम 6 के करीब जो है हम लोग इंडिविजुअली कंफर्टेबल होते हैं, इसके अलावा दूसरी जो एंटिटीज होती हैं उसमें हम कंफर्टेबल नहीं होते, मतलब मेरा हमसे मतलब यहाँ पे बैंक और NBFC से है। उसके बाद अगर हम जाते हैं आगे उसमें अपने दूसरी साइड में आते हैं, तो इसमें जो बिजनेस लोन का एक टेम्पलेट आपको छोटा सा देने की कोशिश किया गया, क्या क्या जो क्वालिफाई करते हैं चीजों को, तो उसमें बिजनेस की विंटेज होना बहुत जरूरी है। ये अभी जो मैं आपसे ये टेम्पलेट बनाया है ये बैंक के प्रपोजिशन के हिसाब से बनाया है जो बैंक के क्वालिफाई करते हैं, तो उसके अंदर जो बिजनेस की विंटेज है वो 3 साल की होनी चाहिए। ऑनरशिप प्रूफ हमारे पास जरूर होना चाहिए, जो ब्लड रिलेशन मतलब यहाँ पे स्पाउस से लेके उसके पेरेंट्स तक का ब्लड रिलेशन में काउंट करते हैं, तो इसके अंदर जो भी उनके फैमिली के अंदर किसी कोई प्रॉपर्टी है उसका हमें ऑनरशिप प्रूफ चाहिए होता है। उसमें आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल, पानी का बिल, वाटर बिल आपका होता है, उसके बाद आपका हाउस टैक्स, ये और प्रॉपर्टी पेपर, ये ऑनरशिप प्रूफ में काउंट होते हैं, तो ये हमें चाहिए होते हैं। GST रजिस्ट्रेशन आफ्टर 2017 हमें, अभी काफी ऑर्गेनाइजेशन में जो बैंक है वो कहते हैं कि हम GST रजिस्ट्रेशन जिनका है उन्हीं को ही हम लेंगे, और जो उसकी ड्यूटीज जो ड्यूज है मतलब लास्ट जैसे अभी अभी दिसंबर में है तो अक्टूबर तक का मुझे पेड चाहिए और 15 नवंबर जैसे रहता है तो उसके बाद की सारी पेड चाहिए, तो रजिस्ट्रेशन की हमें पूरा कंप्लीट चाहिए। सिबिल बहुत बड़ा एक प्रोस्पेक्ट है किसी भी लोन के अंदर लेने के लिए, तो हमारे यहाँ पे जो अनसिक्योर्ड सिबिल में काउंट करते हैं वो 750 प्लस करते हैं। अगर किसी का कभी कोई लोन नहीं लिया तो -1 आता है, उसमें भी वो क्वालिफाई नहीं करता, तो इट शुड बी 750 प्लस। बैंक स्टेटमेंट अगर आप देख रहे हो तो उसका ABB से है, इसका जो फुल एब्रीवेशन का फुल फॉर्म है वो एवरेज बैंक बैलेंस है, तो वो जितनी उसकी EMI PEMI का यहाँ से प्रपोज्ड EMI, तो जितनी प्रपोज्ड EMI हम उसकी बना रहे हैं जितना लोन बैंक देना चाहता है उसका आपका ट्वाइस उसका बैलेंस शीट जो बैलेंस है एवरेज बैंक बैलेंस वो होना चाहिए।
ये हम 6 महीने का काउंट करें, एवरेज बैंक बैलेंस को निकालने के लिए क्या करते हैं, 5, 10, 15, 20, 25 ऐसा करके 5 हम लोगों ने ले लिया और एवरी मंथ का काउंट करके डिवाइडेड बाई फिर जितने मंथ्स का उससे डिवाइड कर देंगे तो एक एवरेज बैंक बैलेंस आपका आ जाता है। और एक इसके अंदर कंडीशन रहती है कि मिनिमम आपकी जो 4 क्रेडिट और डेटर की एंट्रीज है वो होनी चाहिए। फिर उसके ये 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट पीडीएफ फॉर्म में चाहिए होता है, ये बैंक स्टेटमेंट में भी काफी कंसर्न रहता है। और जो प्रॉफिटेबिलिटी है जो बिजनेस की, वो हम लोग को कैश प्रॉफिट किसी भी बैंक के अंदर नेट प्रॉफिट प्लस डेप्रिसिएशन प्लस रेम्यूनरेशन इंटरेस्ट ऑन लोन, इसको कैश प्रॉफिट बोलते हैं एज ए बैंक टर्मोलॉजी के अंदर। उसका 60% निकाल के डिवाइडेड बाय 12 ये ईएमआई का एक नॉर्मल मोटा मोटा आपको बिजनेस लोन की कैलकुलेशन बता रहा हूँ जो बैंक्स के लोग और एनबीएफसी के लोग करते हैं। तो ये एक आपको एक ओवरऑल मैंने स्ट्रक्चर दिया जहां पे बिजनेस लोन को किस तरीके से किया जाता है। कुछ नेगेटिव प्रोफाइल है, बिल्डर है, नेगेटिव प्रोफाइल है, ये गोल्ड एंड जेम्स आजकल लोग करने लगे हैं लेकिन ये कॉशियस प्रोफाइल में अभी भी है। शेयर ब्रोकिंग जो है वो जैसे कॉशियस प्रोफाइल में है। और ये जो है सारा स्पेकुलेटिव बिजनेस जितना भी होता है इस तरह का बिजनेस कम्स इनटू दिस जहां पे भी सट्टाबाजारी वाला काम है। तो एज पर आरबीआई नॉर्म्स एक है कि आप जो भी बिजनेस लोन ले रहे हो इस इज अ बिजनेस पर्पस। जहां पे भी पीपीटी नहीं दिख रहा है, प्रवीण बोल रहे हैं। अच्छा कंफर्म कर सकते हैं कि पीपीटी आप लोग को दिख रही है कि नहीं दिख रही है? अभी मैसेज आया है। सर इट्स शोइंग। अच्छा जी, अच्छा जी, थैंक यू। तो स्पेक्टुलेटिव जो हमारा बिजनेस है उसके अंदर आपका कोई भी सट्टाबाजारी वाला काम जिसको हम बोलते हैं हिंदी के अंदर, बिल्कुल उस बिजनेस के लिए पैसा देने का सख्त मनाही है। आरबीआई का बिल्कुल एक ऑडिट होता है इंटरनली कि आपने बिजनेस लोन किन लोगों को दे रहे हो। तो कई लोगों का होता है प्रॉपर्टी सेल परचेज कर रहे हैं या कुछ इस तरीके से कर रहे हैं, तो यहाँ पे बिल्डर एंड बिल्डर रिलेटेड जो भी काम्स हैं। गोल्ड एंड जेम्स में अभी काफी काफी दिक्कत रह चुकी है, पीछे एनपीए भी काफी हुआ था, इस वजह से इसको कॉशियस प्रोफाइल में, और ये काफी टाइम से ही कॉशियस प्रोफाइल में है। तो ये सारी चीजें हैं। और कुछ और रीजन होते हैं, जैसे जियो लोकेशन का मतलब होता है यहाँ पे कि आपका जो आप जहाँ पे हो वो मेट्रो सिटीज या अर्बन सिटीज के अंदर है तो बहुत अच्छा रहता है। अब आपका इंटीरियर काफी स्टेट से काफी दूर है, 50 किलोमीटर, अगर मैं अभी दिल्ली में जैसे हूँ और मेरा दिल्ली के लोकेशन से अगर 50 किलोमीटर से ऊपर की लोकेशन है तो मेरे को लोन लेने में स्ट्रगलिंग आएगी, बिकॉज मेरा वहां तक का क्रेडिट कलेक्शन कम्फर्ट नहीं आता है, बाकी एजेंसी को वर्क करने में भी दिक्कत आती है। तो जो लोकेशन ऐसे ही अगर मैं कहीं पे आप जो सिटीज में अगर दूर हो तो आपका लोन लेने में डिफिकल्टीज आती है। फिर एरिया ऑफ रेजिडेंशियल बिजनेस जो भी आपका है वो विद इन द ऐसा प्राइमा फेसी में हो जहाँ पे आपकी विजिबिलिटी हो और जाना इजी हो। अगर कहीं ऐसा काफी इंटीरियर में लोगों का, कई बार फैक्ट्री ऐसे इंटीरियर में होते हैं जहाँ पे जाना है बहुत इजी नहीं है और वो किसी का एड्रेस दो के, मतलब वो लोकेशन के थ्रू ही जा सकते हो, आप अपने से समझ ही नहीं सकते कहीं पे है ही नहीं। कई जगहों के इंडस्ट्रियल में भी ऐसा रहता है कि वहां पगडंडी बनी हुई खेतों में से बीच से निकल के जा रहे हैं, तो ऐसे में नेगेटिव हो जाता है। कई जगहों पे अभी स्टॉक है, स्टॉक ज्यादा होना भी एक डिफिकल्ट टास्क है लोन लेने के लिए और ना होना भी बिल्कुल है। ज्यादा होने से ये दिखता है कि आपका माल कितना पाइल अप हो रखा है, आपकी टर्नओवर के बेसिस पे वो देखते हैं कि आपका जो वर्कफ्लो है उसके हिसाब से कितना का स्टॉक रहना चाहिए। स्टॉक जो है ये इंडस्ट्री वाइज वेरी करता रहता है, तो बिल्कुल स्टॉक ना होना भी एक कंसर्न है और स्टॉक ओवर स्टॉक भी होना दिखना आपका जो फिजिबिलिटी जब आपकी वेरिफिकेशन होती है तो वो भी दिक्कत करता है। यहाँ पीडी एज ऑन का मतलब है आपका पर्सनल डिस्कशन, जो क्रेडिट मैनेजर है जो आपका फाइल रिकमेंड कर रहा है, जो पूरा आपका रिस्क असेसमेंट कर रहा है वो आपका देखता है, ये सारा चीजें जितनी भी हैं वो उसी के पास क्लासिफाइड होके आती हैं, सारी रिपोर्ट्स उसी के पास कंसोल होती हैं, एक कैम रिपोर्ट होती है वो उसके पास आती है। तो ये ओवरऑल पूरा एक जैसे वो अपना एक पूरा एक आपका केस का पूरा एक स्टडी करता है और ये सारी चीजों को देखता है कि आप क्वालिफाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो बिजनेस लोन का एक करने का तरीका ये होता है। उसके बाद जो अगर हमारी थर्ड आते हैं तो एडवांटेज ऑफ बिजनेस लोन क्या है, दो क्या मार्केट में और आपके पास क्या ऑप्शन होते हैं, वहां से बिजनेस लोन लेना क्यों आपको इंपॉर्टेंट हो जाता है या वो लेना एक प्रेफरेंस रखते हैं, उसके ऊपर मैंने ये पीपीटी हमारी आएगी। तो इसमें कोई कोलेट्रल नहीं चाहिए, कोई आपका अपने पास अगर कोलेट्रल को मॉर्गेज नहीं करना, कोलेट्रल में ऑनरशिप प्रूफ आप बोलोगे तो आपने अभी बोला था, बट यहाँ पे हम सिर्फ उसका एक प्रूफ मांग रहे हैं, हम आपसे ये नहीं कह रहे कि कोलेट्रल चाहिए। और वर्किंग कैपिटल को सपोर्ट करता है। टैक्स बेनिफिट के अंदर ये होता है जो इंटरेस्ट है वो आपका अपने बैलेंस शीट में डाल के आप उसमें रिबेट ले लेते हो, प्रॉफिट अपना कम कर लेते हो तो आपके बैलेंस शीट के अंदर ही उसको सपोर्ट कर देता है। कोई एंड यूज के अंदर जैसे आपने कोई भी अगर वर्किंग कैपिटल आपने लिमिट उठा रखी होती है तो उसमें एक एक पैसे का आपका बैंक जो है वो आपसे पूरा हिसाब किताब लेता है कि भाई साहब क्या कर रहे हो उस पैसे का। तो यहाँ पे आपको कोई हिसाब किताब देने के लिए
एक बार आपके पास आ गया वो एंड यूज आपका प्रेफरेबली यही रहता है कि आपके बिजनेस में रहे, लेकिन वो ये नहीं रहता कि आपका आके उसको दोबारा से बैक साइड से कैलकुलेशन करके चेक करके पूछें कि नहीं आप बताइए आपका कहाँ पे है, तो वो चीजें नहीं होती हैं इसमें। लेजिमेट मनी का ये थोड़ा समझना इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं अभी दिल्ली सिक्स के अंदर मार्केट में काफी बिजनेस लोन के सब रहता है, दिल्ली सिक्स की मार्केट में जो पैसा है वहां पे जो बिजनेस लोन की अगर लोगों से अगर मेजर आप मैं पूछूंगा कि भैया आपकी क्या रिक्वायरमेंट है और अनसिक्योर्ड पे रहते हैं बिकॉज उनके जो प्रॉपर्टीज है उनपे ऑलरेडी लोन उठा रखा है या उनकी वो प्रॉपर्टी जो है वो रेंट मतलब मॉर्गेजेबल नहीं है किसी ना किसी रीजन से। दिल्ली सिक्स की जो ज्यादातर जो रहती हैं उसमें टेक्निकली वो नहीं साउंड होती हैं जहाँ पे वो मॉर्गेज हो पाए। अब वो क्या करते हैं वो इधर उधर से लोगों से दस्ती पैसा उठाते हैं, दस्ती बोले तो एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें वो रिवेन्यू स्टैम्प लगा के दूसरों से पैसा ले लेते हैं, लेकिन वो कमेटी के थ्रू उसकी रिपेमेंट बनाते हैं। तो इसके अंदर वहां पे ये जो पैसा होता है ठीक है, तो ये जो पैसा उन्होंने बनाया है आपका जो भी जिस तरीके से वो उसको लेके इंट्रोड्यूस करते हैं अपने बुक्स के अंदर, इट इज नॉट अ लेजिमेट मनी। वो एंड जो उनका बेसिक पर्पज होता है वो डिफीट करता है, क्योंकि उनको पैसा आज मार्केट में इसलिए चाहिए कि पैसा है, पैसा नहीं है उनके पास, दे हैव मनी बट उनके पास जो फ्लो है जो वाइट के अपनी इनवॉइसेस काटने के लिए रेस करने के लिए जो पैसा चाहिए वो नहीं होता। तो ये आपका डायरेक्ट आपके अकाउंट्स के अंदर आता है, आप इस फंड से बिलिंग काटो या कुछ भी करो तो आपका प्रॉपर एक नंबर का पैसा है, आप इसको अच्छी तरीके से एंजॉय कर सकते। तो आपका ये लेजिमेट मनी के अंदर ये बिजनेस लोन के बेनिफिट्स में एक बहुत बड़ा की रीजन है जो लोग हम लोग अंडर एस्टिमेट कर जाते हैं। अभी ये चीपेस्ट कैसे है और दूसरे अनसिक्योर्ड फंड से जब अभी आप लास्ट में बैठेंगे कैलकुलेशन समझेंगे तो मैं आपको इसको थोड़ा सा और बड़ा अच्छा एनलार्ज में समझा सकता हूँ कि किस तरीके से बिजनेस लोन आपका एक चीपेस्ट फंड ऑफ एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट सकता है। अच्छा अभी मेरे पास आपको थोड़ा सा अभी जब इंट्रोडक्शन दे रहे थे तो हम लोग अभी 60 प्लस बैंक और एनबीएफसी से काम करते हैं, तो मेरे पास जब इतना बड़ा पूल आता है तो हम बहुत बड़ा एक ऐसा साइज जनरेट कर सकते हैं अनसिक्योर्ड के अंदर ही जो हमारे बुक्स को नहीं करते हैं, बट उसको लें ना लें वो आपसे हम जब डिस्कशन करेंगे तो मैं बताऊंगा आपको कि हम किस तरीके से कितने बड़े अमाउंट तक जा सकते हैं और आप लोग को उसको कितना तक वहां तक जाना चाहिए जो आप अपने बात कर सके। उसके बाद अगर आप डिसबर्समेंट का पूछते हो तो 5 से 7 दिन हमारे को लगते हैं एंड मतलब आपके 5 to 7 days में हमारे पास सैंक्शन होता है, मैक्सिमम 2 दिन और ऊपर ले लेते हैं जिसमें आपके अकाउंट में फंड आ रहा होता है। कोविड ने एक हमारे को बहुत अच्छा काम किया है कि इसका जितना भी आईटी वर्क इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा हो गया है, तो अभी ज्यादातर बैंकों के पास जो है सारा सॉफ्ट प्रपोजल जाता है और वो आजकल आपसे फिजिकल मीटिंग भी नहीं करते हैं, फोन के ऊपर ही और आपके ऐसे ही वेबकैम के थ्रू एक बार आपसे समझ लिया, बिजनेस समझ लिया और वहीं ओके कर लेते हैं। तो टर्न अराउंड टाइम बहुत कम हो गया है और सेकेंडली अप्रूवल जल्दी फास्ट आते हैं और डिसबर्समेंट में भी सेम डे कई जगह पे है, बट लिखना अच्छा नहीं लगता इसलिए आपको बोल रही है उसमें हमने नहीं किया है, सेम डे भी डिसबर्समेंट होता है। आप मेरे पास किट आती है ऑनलाइन, आजकल किट होने लग गई है, आप आधार पे ओटीपी आता है उसे रजिस्टर्ड होता है और आपके अकाउंट में डिसबर्समेंट हो जाता है। हार्डली कोई इसमें कोई भी हार्ड कॉपी यूज होती है, एक सिंगल चेक कहीं कहीं का आ रहा है, अभी चेक भी नहीं आ रहा है, आपके पास नेट बैंकिंग है तो काम बहुत जल्दी हो जाता है। तो ये बेनिफिट्स हैं। अभी तक किसी को कोई क्वेश्चन इसके अंदर अगर कोई छोटा मोटा पूछना चाहते हैं आगे चलते हैं। अभी बिजनेस लोन की टाइमलाइन जैसे मैं बता रहा था, फाइल लॉगिन होती है और इनिशिएट जो है इसके इंटरनल प्रोसेस में डाल दी जाती है। एक कैम होता है इंटरनली, एक सॉफ्टवेयर होता है जिसमें वो डिटेल डॉक्यूमेंट्स का डालते हैं और वेरिफिकेशन जो है। बाबूजी आपसे करेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट की भी बात, मैंने अभी आपको बताया था स्टार्टिंग में कि 12% से स्ट्रक्चरिंग होता है और बहुत अंतर जाता है, बहुत लेयरिंग है इसकी, तो अभी इसके ऊपर भी बात कर लेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। उसके बाद ये स्कीम नहीं है प्रवीण जी, ये बिजनेस लोन है और इसका इसके अंदर कुछ भी ऐसी चीजें नहीं है जहां पे आपको कोई स्कीम के थ्रू होता है, ये हर बैंक के पास प्रोडक्ट है, कोई बैंक का ऐसा नहीं है। हाँ आप लोग कर सकते हैं, अभी इसके बाद हम बात करेंगे, अभी सबके वन वन एक बार ओपन करके करेंगे। विक्रम जी अभी करते हैं आपसे, तो डे 3 के अंदर बिल्कुल विक्रम जी बिल्कुल, तो डे 3 के अंदर जो है ये रेजिडेंट आपकी घर की और ऑफिस की वेरिफिकेशन होती है और TVR का मतलब है टेलीफोन वेरिफिकेशन से। तो आपसे डे 3 के अंदर घर की वेरिफिकेशन होती है, ऑफिस की वेरिफिकेशन होती है, रिपोर्ट आती है, फिर एक जो क्रेडिट मैनेजर है पर्सनल डिस्कशन, चौथे दिन एक आपको क्रेडिट मैनेजर कॉल करता है, सारा प्रपोजल समझता है आपसे कौन क्या कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं और बिजनेस का आपका क्या बन रहा है नहीं बन रहा, बिकॉज डे 4 तक उसके पास सारा चीज बिजनेस की आपकी आ जाती है।
असेसमेंट करता है और आपका 5वें दिन तक मैक्सिमम आपका सेंक्शन आ जाता है और उसी दिन आपका डिसबर्समेंट भी कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल सूदिंग प्रोसेस है, कहीं पे अगर आपकी कोई चीज नहीं हो रही है, किसी की वेरिफिकेशन नहीं हो पा रही है, कोई दिक्कत आ गई है, कोई बंदा छुट्टी पे कई बार चला जाता है, तो थोड़ा सा यहाँ टाइम लग जाता है। बट नॉर्मली अगर मेरे आप पूछोगे कि सारे बैंकों का और NBFC का, तो ये डे वन से लेके डे फाइव तक आजकल बहुत इजिली स्मूथ काम हो रहा है, इससे कई जगह पे पहले भी काम हो रहा है। अब हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। ओवरड्राफ्ट इन बिजनेस लोन, ये बहुत ही एक्साइटमेंट चीज आ गई है अभी आज की डेट में। कुछ बैंकों ने अभी ये एक्चुअली अगर मैं पूछूं तो इसमें बैंक्स नहीं पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सारे NBFC पार्टिसिपेट कर रहे हैं और एक पोर्टल के थ्रू ये सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहे हैं। तो ये जो फैसिलिटी है ये बहुत ही मतलब जिसे कहेंगे ना एक एक्साइटमेंट चीज है कि लोग अभी जो जिनको अभी वन टाइम एकदम से पैसा चाहिए होता है लेकिन फिर उनको थोड़े टाइम के बाद रीपेमेंट भी चाहिए होता है, शॉर्ट टर्म के लिए आया और बट उसको वापस करना। अभी यहाँ पे मैंने आपको जो है फिक्स्ड लोन की आपको मैंने एक वो दे दिया है कि यहाँ पे क्या फर्क आ रहा है, दोनों डेफिनेशन आपको समझाता हूँ। EMI फॉर्म के अंदर अगर आप टर्म लोन ले रहे हो तो EMI सब करते हो, लेकिन आप थ्रू जो मैं आपको OD दूंगा, प्रॉपरली OD रहती है ये, आप एक दिन में सुबह आपने 10 लाख रुपए निकाले, शाम तक 10 लाख रुपए अगर जमा कर दिए वापस, तो आपको उस दिन का कोई इंटरेस्ट नहीं देना है। और उसको कैसे वर्क करते हैं वो अभी आपको आगे बस समझाऊंगा, लेकिन इसके अंदर आपको इंटरेस्ट मोटा मोटा हिंदी में बात अगर आपसे बात करूं तो इंटरेस्ट उतने पे देना है जो आप यूटिलाइज कर रहे हो। आपने कोई यूटिलाइज नहीं किया, आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देना, कोई आपको पैसा नहीं देना। तो बहुत ही बढ़िया सिंपल है, इसके अंदर डिसबर्समेंट लोन पे रहता है, ओवरड्राफ्ट अमाउंट का रहता है, प्रिंसिपल ड्रॉप डाउन जो होता है एज पर अकॉर्डिंग टू शेड्यूल होता है सॉरी, और इसमें जो रहता है वो टेन्योर के बेसिस पे होता है। एक सिंपल सी चीज बता देंगे, एलिजिबिलिटी जो एलिजिबिलिटी दोनों की सेम होती है, उसमें कोई फर्क नहीं होता है। पार्ट पेमेंट ऑप्शन इसके अंदर आपका जो आप EMI वाला बिजनेस लोन होता है उसमें पार्ट पेमेंट का कोई ऑप्शन नहीं होता है, इसमें आप डेली बेसिस पे कितनी मर्जी भी पार्ट पेमेंट कर सकते हो, उसमें कोई मना नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन अनसिक्योर्ड के अंदर बिजनेस लोन में बहुत है, मतलब बहुत बोलूं तो बहुत ज्यादा है आज की डेट में, तो जितने हैं उससे भी मतलब हम लोग कई बार खुद को हो जाता है कि इतने बैंक और NBFC आ गए हैं तो संभालना कई बार हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। बट OD के अंदर मार्केट में अवेलेबिलिटी जो है बहुत कम रिसोर्सेज हैं, तो वो लोग थोड़ा सा अभी जो प्ले कर रहे हैं वो अच्छा प्ले कर रहे हैं, अपने नेगोशिएशन अपने उन्होंने स्ट्रॉन्ग रखी हुई है, बिकॉज मार्केट में जहाँ डिमांड सप्लाई वाली बात है, कस्टमर की डिमांड ज्यादा आती है और वो लोग अभी कम देना चाह रहे हैं, तो थोड़ा सा वहाँ पे कंजर्वेटिव हो जाते हैं इन टर्म्स ऑफ। अगर आपकी एलिजिबिलिटी 10 लाख आ रही है तो हो सकता है ये 7-8 में ही आपको कहेंगे कि आप OD सर 7 या 8 लाख रुपए ले लो, तो दोनों में ये फर्क बस थोड़ा सा आता है। और जो ये है आपका अकाउंट खोलना जरूरी होता है, तो दोनों जगह अकाउंट खोलना जरूरी नहीं है, लेकिन आपको एक पोर्टल के अंदर जाके उसको ड्रॉप डाउन और रिपेमेंट करना पड़ता है, वो मैं अभी आपको नेक्स्ट स्लाइड में समझाता हूँ कैसे। तो आपको क्या होता है, एक रजिस्टर्ड जब आप एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिल जाता है आपको, या आपका मोबाइल नंबर ही रजिस्टर्ड आपका OTP के लिए रजिस्टर्ड हो जाता है। तो मान लो आपको फॉर एग्जाम्पल हम बजाज के हमने अपने ये ड्रॉप डाउन ओवरड्राफ्ट लिया है और उसमें हमने बजाज में जाएंगे पोर्टल में कस्टमर डालेंगे कस्टमर लॉगिन के लिए, और वहां जाके अपना रजिस्टर्ड नंबर से ही आप मोबाइल नंबर डालोगे तो OTP आएगा, OTP डालते ही आपका अकाउंट खुल जाएगा, एक डैशबोर्ड आ जाएगा आपके नाम से, यहाँ पे आपका लोन अमाउंट, वहां पे स्टेटमेंट, सब चीजें एक साथ ही लिखी होती हैं, जैसे नेट बैंकिंग में आपको ओवरऑल नजर आता है वैसा ही होता है। उसके बाद आपको वहीं पर ही ऑप्शन आ रहा होता है कि आप कहां से ड्रॉप डाउन मतलब जहां से आप पैसा निकाल सकते हैं, और उसके बाद दूसरा ही ऑप्शन नजर आ रहा होगा जहां से आप रीपेमेंट कर सकते हैं। तो आपका यही है, एक जैसा नेट बैंकिंग आप इजिली यूज करते हो जहां से आप पैसा निकाल सकते हो, इसमें आप एक ही पोर्टल पे दोनों चीजें कर सकते हो, आप विड्रॉल भी कर सकते हो और रिपे भी कर सकते हो, विच इज एज मतलब बहुत ही स्मूथिंग प्रोसेस रहता है। अभी इसके ऊपर काफी सालों से अभी काम चल रहा था और कई सारे अभी पीछे बहुत सारे ग्लिचेस आते थे एट टाइम, ये जैसे बैंकों में सरकारियों में रहता है ना कि सर्वर डाउन रहता है वैसा वाला स्टेजेस रहती थी, बट अभी काफी इससे रिकवर कर गए, तो काफी स्मूथ प्रोसेस हो गया है, डे नाइट आप कभी भी यूज कर सकते हो, कोई ऐसा नहीं है। और ये जैसे बैंक्स में क्या रहता है, इंटरेस्ट रात को 12 बजे के बाद का उठता है, सेम इसमें भी होता है, रात को 12 बजे के बाद जितना आपका माइनस है उस पर इंटरेस्ट लगता है, डे टू डे में आप जितने बार भी निकाल रहे हैं उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं लगता है, तो आप इतना सॉर्टेड कर सकते हो जो एक ऑथेंटिक जिस तरीके से एक लगना चाहिए आपका, किसी का इंटरेस्ट चार्ज होना चाहिए, सेम उसमें क्वालिफाई किया जाता है। अब क्या इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं, तो हाँ बिल्कुल हैं, आपको पता होना चाहिए अगर आप ले रहे हो तो डिसएडवांटेज DoD की क्या है। अभी तो आप बोलोगे हम BL लेते ही नहीं है, DoD लेके ही अपना काम चलाते हैं जब यही सारी चीजें फैसिलिटीज के अंदर है, तो इनिशियली थोड़ा सा इसका प्रोसेसिंग फीस और रेट ऑफ इंटरेस्ट हायर होता है बिजनेस लोन से, एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस होते हैं जो कि बिजनेस लोन में नहीं होते हैं,
अभी कितने होते हैं ये आपका लोन अमाउंट पे डिपेंड करता है, वेरी करता है, कई जगहों पे बहुत एक एक जितना अमाउंट होता है, कई जगहों पे परसेंटेज ऑफ द लोन अमाउंट होता है, तो आप कहाँ से ले रहे हो ये डिपेंड करता है। फिर उसके बाद जो डीओडी अगर आपने फुल यूटिलाइज रखते हो, ठीक है, तो वो आपका कंपाउंडिंग के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जो आपका आपके घर से क्या जा रहा है उसके ऊपर मैटर करता है ना, कि आप 1 लाख के ऊपर कितना दे रहे हो। राकेश जी ये बाद में लेते हैं आपका, आप क्वेश्चन बताना मेरे को, हम लास्ट में बैठेंगे इसके ऊपर, ये सारा देंगे, ये मैंने कवर किया था क्या क्या अप्रूवल के लिए क्या करते हैं। तो जैसे आपका ये डीओडी आपको बता रहा हूँ कि इसके अंदर आपकी कॉस्टली हो जाती है अगर आप फुल यूटिलाइज रखते हो, कोई बात नहीं राकेश जी दोबारा कर लेंगे आपके लिए। अगर आपने तो फुल जो है, नहीं जी ईपीसी के लिए नहीं मिलता है अभी, डीओडी ये बिजनेस पर्पस के लिए है। क्वेश्चन एक बार ये स्लाइड खत्म कर लूं फिर आपसे लेता हूं। तो हमारी जो डीओडी है ये मतलब आपका अगर आप फुल यूटिलाइज रखते हो, आपने मान लो 10 लाख रुपए की डीओडी ली 36 महीनों के लिए और आपने पूरी डीओडी यूटिलाइज करके चलाओगे तो एंड ऑफ द डे आपको कॉस्टली पड़ेगी, लेकिन अगर आपने डीओडी की जगह पे बिजनेस लोन लेके फुल चलाया तो आपको सस्ता पड़ता है। वो कैलकुलेशन हम समझ लेंगे कि आपको पीपीटी लेके कि किस तरीके से इसको ऊपर काम करते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे अगर आप आपका फंड जो है आना जाता रहता है, वो आ भी रहा है और जा भी रहा है, तो उसके अंदर आपको ओडी हमेशा इजी रहती है। आपने उस टर्म्स के लिए ले रखा है कि जहां पे आपको बिल्कुल ही शॉर्ट टर्म महीने में 10 दिन यूज होता है, तो मैं बोलूंगा कि आप इसको लेना है, वरना आप इसको मत लीजिएगा। उसके बाद आपका जो नेटवर्क सिस्टम में कभी कभी दिक्कत करता है, कई बार ऐसा हो देखा गया है, मेरे भी खुद प्रैक्टिस में आया है कि जब आपको बहुत ज्यादा जरूरत होती है तो कई बार नेटवर्क स्लो रहता है, कोई सिस्टम का कोई दिक्कत आ जाती है, कोई प्रोसेस आ जाता है, तो जो फंड है वो आपको ड्रॉप डाउन या वापस देने में आती है। अभी पहले से बहुत फिल्ट्रेशन आ गई है, बहुत प्रोसेस स्मूथ हो गया है, लेकिन है अभी भी दिक्कत, तो वैसा नहीं है। बिजनेस लोन तो क्या है, आपके अकाउंट में हार्ड कैश पड़ा हुआ है और वो पर डे से मीटर चालू है उसका, तो वो पैसा आप कहीं पे भी घुमाओ, लेकिन अभी इसमें से मेरे को चाहिए तो एक सिस्टम के थ्रू जाते हैं, तो उसका भी हमें देखना पड़ता है। अभी ये बड़ा मेसिव पॉइंट है अपना भैया, रिजेक्शन क्यों हो जाती है बिजनेस लोन में, हम जब भी डालते हैं तो रीजन क्या रहते हैं वो सारी एक बार इसमें समझते हैं इस वाली स्लाइड में। तो भैया अभी हम लोगों का आईटीआर ही फाइल नहीं है, और कई लोगों कहते हैं भैया बिजनेस लोन के डाल देंगे और फाइल डाल देते हैं और आईटीआर फाइल नहीं है और जाके हमारी रिजेक्ट हो जाती है। अब इसमें ये विंटेज से मतलब है, आपको बिजनेस करते हुए कितना टाइम हो गया है, बिजनेस की विंटेज कितनी है। अगर आपके पास आप करते रहे हो 10 साल से लेकिन बिजनेस का कोई प्रूफ ही नहीं बनाया आपने, और आप कह रहे हो भाई तो 1 साल ही हुआ है प्रूफ के लिए हुए, तो दिक्कत है। तो बिजनेस के विंटेज के अंदर हमें प्रूफ चाहिए होता है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन है जिसमें हम प्रूफ लेते हैं, अभी लेबर सर्टिफिकेट एमएसएमई का है, लेकिन एमएसएमई में आप अप्लाई कर रहे हो अभी और डाल रहे हो पुरानी डेट, तो वो अभी की डेट ही मानी जाती है। कई लोग पहले बीच में चला रहे थे लेकिन अभी बैंक जो है करने लग गए। सिबिल स्कोर एक बहुत बड़ा कंसर्न एरिया है, सबसे ज्यादा अगर मैं आपको अपना बताऊं पर्सनल एक्सपीरियंस, तो सबसे ज्यादा अगर केस को रिजेक्ट होते हैं तो सिबिल की वजह से होते हैं। बिकॉज सिबिल क्या है, लोगों को लगता है कि बस हो गया, किसी को पता नहीं लगता है, लेकिन आपकी बहुत छोटी छोटी डिटेल्स भी जो है सिबिल कैच करता है। हम किसी को भी गारंटर बन जाते हैं, कहीं पे भी किसी के साथ कुछ भी आपको दे रहे होते हैं, मैंने अपने इम्प्लॉय के लिए बाइक उठा के दे दी, किसी का कुछ करके दे दिया, तो ये स्टोरीज बैंक कभी बाय नहीं करता है। अनसिक्योर्ड में तो आप समझो सिबिल पे कोई भी आपकी दिक्कत है तो वो क्राइम जैसी है, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। सिबिल हमें बिल्कुल क्लीन चाहिए, कहीं पे भी कोई कंसर्न एरिया नहीं चाहिए। -1 सिविल स्कोर तब आता है जब आपका कोई भी क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है, तो सिविल स्कोर कभी भी जब स्टार्ट होता है तो उससे पहले का जो स्टेटस होता है वो -1 होता है। और आपकी सिविल के इंक्वायरी का मतलब यहाँ पे ये है कि जो आपने कितनी जगह 1 महीने में या कितनी फाइलें डाली हैं, तो जितनी बार आप डालते हो क्रेडिट कार्ड के लिए कुछ भी चीज के लिए, जब भी आपका सिविल हिट किया जाता है तो उसमें एक इंक्वायरी जनरेट हो जाती है। मेरे अगर आपकी 5 सिविल इंक्वायरी किसी भी महीने में 3 महीने में आपकी आ रही है, तो आपकी फाइल के रिजेक्शन होने के रीजन काफी ज्यादा बन जाते हैं। तो सिविल के अंदर ये 3 मैटर हो गए, सिविल का स्कोर 750 से कम, -1 और सिविल पे इंक्वायरीज, ये बहुत बड़ा कंसर्न एरिया है। उसके बाद अगर मैं 34th पॉइंट पे आऊं एलिजिबिलिटी, तो हमारे को अपने एंड से एक बार चेक करना पड़ता है कि मैं कितने के लिए क्वालिफाई करता हूँ कर सकता हूँ, और आप कितने के लिए अप्लाई कर रहे हो। आपने डाल दिया 15 लाख 20 लाख रुपए के लिए एलिजिबिलिटी नहीं बनती है, और आपने ऐसे ही बस बना के डाल दिया हमारे को, जो क्योंकि इसमें आप कितने का ही कच्चे का काम कर रहे हो, इसमें हमारे को वो रिकॉर्ड्स पे काम नहीं होता है। फाइनेंशियल मतलब आईटीआर आपके जो है, कितने की फाइल हो रखी है, आपके सीए ने कितने पे प्रॉफिट एंड लॉस पे आपका क्या प्रॉफिट दिखा रहा है, उसमें बैलेंस शीट कैसी बनाई हुई है उसने, ये सारा मैटर करता है, और हम उसी को ही एलिजिबिलिटी में काउंट करते हैं।
हम कोई भी एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट्स या उसके आधार कुछ और इनकम आ रही है जो कि फाइनेंशियल एनक्लोज नहीं है तो हम उसको काउंट नहीं करते हैं। ऑनरशिप प्रूफ में क्योंकि अनसिक्योर्ड है, हम लोग किसी का नहीं पता कि भैया अगर वो छोड़ के चला जाता है जिस जगह पे रहता है तो उसको हम कहाँ से पकड़ेंगे। अगर रेंटेड दोनों प्रोफाइल अकोमोडेशन है तो बैंक का रिस्क बढ़ जाता है, इसीलिए ऑनरशिप प्रूफ लिया जाता है कि बंदा कहाँ रह रहा है, उसका घर कहीं कहाँ पे है। फैमिली हाउस भी हो चाहे उसके मम्मी पापा के नाम पे है, आपने लोन ले रहे दिल्ली पे, पेरेंट्स रहते हैं आपके हरिद्वार में, वाराणसी में या किसी और स्टेट्स के अंदर, तो वहां का भी ऑनरशिप प्रूफ चल जाता है। बट मुझे लेटेस्ट वहां का कोई भी बिल चाहिए होता है और वहां की भी वेरिफिकेशन होती है। तो आप ये समझ के चलना कि आपका काम हो जाएगा लेकिन घर वालों को बताना पड़ जाता है कई बार। तो कई लोग चाहते हैं कि हम लोन ले लें लेकिन घर पे फोन ना जाए, तो वो चीजें होती नहीं है और बाद में दिक्कत आती है। तो टेक्निकली ऑनरशिप प्रूफ होता है चाहिए हमें कोई भी उसका, चाहे रेजिडेंशियल का, कोई भी ऑफिस का, कोई भी एक ऐसा एड्रेस चाहिए जहां पे विजिबिलिटी हो, कोई ना कोई रहता हो, या वैकेंट भी है तो चलता है लेकिन मेरे को प्रूफ चाहिए। ओवर लिवरेज से मतलब है भाई लोन आपने कितने उठा लिए, इनकम 100 रुपए है और लोन उठा लिया 80 रुपए के, तो आपका लोन अब लेने में दिक्कत आएगी। या कई लोग तो 100 रुपए पे 100 रुपए लोन लेके बैठे होते हैं। मार्केट ये कहती है बिजनेस लोन की कि 100 रुपए पे आप 60 रुपए तक का मेरा लोन जोड़ के आप उठा सकते हो। अभी मेरा लोन का मतलब है जितना आप लोन और लेना चाहते हो उसको आप ऐड करोगे अपने करंट लोन के अंदर, और वो 60% से ज्यादा इनकम से ज्यादा नहीं होने चाहिए। स्टार्टअप कंपनी के बारे में भी बताता हूँ अभी राजकुमार जी आपको थोड़ी देर में। हाँ जी, रजिस्ट्री लैंड भी आपका काम करती है, बिल्कुल करती है। अब डॉक्यूमेंटेशन बिजनेस लोन में क्या आता है ये एक बार समझ लेते हैं। मैं जल्दी से ऐसे समझा रहा हूँ कि हम लोग कई चीज को जो समझने वाली चीज है वो आप लोग का एक बार ऐसे आप मोटा मोटा ले लो, जो क्योंकि ये काम सब जो भी बैंक्स का है उसका रहता है, ट्रिपल बी प्रोजेक्ट्स पे नहीं करते हैं उसका अलग रहता है। ये अनसिक्योर्ड में हम लोग जो ऑडिटेड फाइनेंशियल्स आपके ऑलरेडी हैं उसी पे लोन देते हैं। हम लोग आपका कोई भी प्रोजेक्ट्स के ऊपर ये आपका अनसिक्योर्ड लोन है प्रोवाइड नहीं होता है। इट इज अ रिस्की मनी फॉर बैंक्स, तो बैंक कभी भी आपके उस रिस्क में नहीं लगाता है जहां पे अभी आप लगा रहे हो। कोई भी जो बिजनेस देखा गया है कि जो स्टैब्लिश बिजनेस होता है 3 साल का, उसके बाद एक फॉर्मेलिटी आ जाती है कि वो बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा। ज्यादातर कितने बिजनेस होते हैं जो 3 साल में चलते हैं और बंद हो जाते हैं, तो 3 साल के बाद भी अगर आपका प्रॉफिटेबल बिजनेस दिख रहा है तो बिजनेस वहीं पर ही कॉल किया जाता है। इसीलिए कोई भी आप सोच रहे हो प्रोजेक्ट लोन लगा रहे हो, स्टार्टअप लोन लगा रहे हो, तो ये बहुत ज्यादा लाइकली सब्जेक्ट नहीं है अनसिक्योर्ड लेने के लिए। अभी इसमें डॉक्यूमेंटेशन में हम केवाईसी, एप्लीकेंट को एप्लीकेंट, यहाँ पे स्पाउस की आजकल को एप्लीकेंट की केवाईसी बहुत लेने लग गए हैं। कोई भी बिजनेस लोन में पहले केवाईसी नहीं ली जाती थी कोऑप्लिकेंट की, आजकल हस्बैंड वाइफ का, मेल फीमेल का एक ये बैंकों ने अपना एक अरेंजमेंट शुरू करना कर दिया है। आफ्टर कोविड में देखा गया डेथ काफी हुई है, तो एक दूसरा बंदा कोई मतलब नहीं था कोऑप्लिकेंट में, तो बैंक का सारा जो पैसा था वो एक तरीके से एनपी हो गया और उसके लिए बहुत बड़ा दिक्कत आ गई। तो अभी आज की डेट में अगर आप पूछोगे मेरे से तो बैंक में ज्यादातर बैंक और एनबीएफसी कह रहे हैं कि नहीं हमें तो भाई साहब कोऑप्लिकेंट चाहिए, उसकी पैन कार्ड आधार कार्ड भी साथ में लगाना है हमें। तो वो इस तरीके से कहीं ना कहीं क्वेश्चन बता रहे हैं, फीमेल की जगह साथ में मेल लेते हैं और मेल के साथ में फीमेल लेते हैं। ये कॉम्बिनेशन एक बैंक की अपनी नई प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी है। फाइनेंशियल आपके 3 साल के होने चाहिए, जिसके अंदर अगर आपके पास उसकी ऑडिट हो चुकी है, 2 CR से ऊपर की टर्नओवर है, तो ऑडिट रिपोर्ट, डायरेक्टर रिपोर्ट, ये सारा पूरा एसेट एक बार बैंक को पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए ही चाहिए। देन 1 साल की बैंक स्टेटमेंट और जीएसटी लेते हैं, कंप्लीट बैंक स्टेटमेंट इन पीडीएफ फॉर्मेट लेते हैं, जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेते हैं और 1 साल की GSTR 3B लेते हैं। और 1 साल जैसे अभी अक्टूबर तक की आप लोग, ज्यादातर लोगों की क्वालिफाइड मतलब आप फाइल कर चुके सर, CMA डेटा हमारे को नहीं चाहिए। ऑनरशिप प्रूफ जो है ये हमारे यहाँ पे एक तरीके का चाहिए ही चाहिए, और अगर जीएसटी पे एड्रेस जो है और बिजनेस एड्रेस जो है वो सेम आ रहा होता है तो हमारे को कोई दिक्कत नहीं आती है। तो ऑनरशिप प्रूफ ये 4 डॉक्यूमेंटेशन है मोटा मोटा, केवाईसी, फाइनेंशियल बैंक स्टेटमेंट, जीएसटी और ऑनरशिप प्रूफ, हमारा काम बन जाता है इसी से। अब सॉल्यूशंस ऑफ रिजेक्शंस क्या क्या है, तो हमारे पास ऐसा आप लोगों के लिए, अगर आप अब इस चैनल से जुड़े हैं और अभी तक आप मुझे सुन रहे हैं तो आप लोग के पास ये इक्वेशन है कि आप 40 लाख रुपए तक के लोन उठा सकते हैं अगर आपके पास आइडिया नहीं है तो है ना बढ़िया। इस आपकी स्लाइड ज्यादा भगा के यहाँ तक की सुनाने की न्यूज थी, तो अभी तक आप जो रुके हुए हैं इसमें बेस्ट चीज ये है कि हम आईटीआर नहीं भी है आपके पास तो भी आप 40 लाख रुपए तक जुगाड़, अपना पैसा का अरेंजमेंट कर सकते हो।
और बहुत बढ़िया बात है ये। इसके अंदर आप भी आज की डेट में बैंक्स आपके कई और पैरामीटर देखते हैं, आपकी बैंक स्टेटमेंट देखते हैं, अगर आपकी आईटीआर नहीं है तो 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट चाहिए हमें, जिसमें आपका एवरेज बैंक बैलेंस आपकी जो ईएमआई बन रही है उसका दुगना होना चाहिए, तो इसके हिसाब से हम बनाते हैं। और 4 आपकी बिजनेस की क्रेडिट और डेबिट एंट्री होनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि आईटीआर कम नहीं है तो मतलब आपको लोन मिल जाएगा, मेरे को सपोर्ट में आपकी बैंक स्टेटमेंट, हेल्दी बैंक स्टेटमेंट चाहिए जिसमें आपका जितना 10 लाख रुपए की जितनी ईएमआई बनती है 3 साल के हिसाब से उसका डबल एवरेज बैंक बैलेंस आपके अकाउंट में पड़ा होना चाहिए, प्लस बिजनेस की 4 क्रेडिट और मतलब और डेबिट एंट्री मंथली चाहिए, बिजनेस रिलेटेड ट्रांजेक्शन चाहिए, कोई फैमिली ट्रांजेक्शन या इंटर ग्रुप कंपनीज रिलेटेड कंपनी में नहीं चलती है। ऑनरशिप प्रूफ नहीं है तो भी भाई साहब हम लोन करा रहे हैं, कितने बढ़िया बात है ना। 60 लाख रुपए कम होते हैं लाइफ में तो 60 लाख रुपए बिजनेस में आप ऐड कर सकते हो। निमेश जी बात करते हैं अभी आपसे, तो 60 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं, बिजनेस की विंटेज नहीं है भाई साहब, 1 साल है, 2 साल है, 3 साल से नीचे नीचे है, 35 लाख रुपीज तक का यहाँ पे भी हमारा अरेंजमेंट है। अभी काफी कुछ है चीजें जो मार्केट में अभी आफ्टर कोविड में क्या था, काफी कैलकुलेशन बना के लोगों ने समझा कि किस तरीके से और इस मार्केट को एमएसएमई को सपोर्ट किया जाए। तो तीसरे नंबर पे जो पॉइंट हम विंटेज का भी प्रॉब्लम आपका सॉल्व कर रहे हैं, लो इनकम का यहाँ पे जो एक तरीके का रीजनिंग है कि आपकी मान लो बिजनेस में इनकम आपने कम शो कर रखी है, आईटीआर आपकी बहुत कम की है, यहीं पर ही सेम ये भी एक तरीके का बैंकिंग बेसिस पे जीएसटी पे ग्रॉस प्रॉफिट पे उस पे बन जाता है आपका लोन। अभी आपका मान लीजिए प्रॉफिट आपने बहुत बैंक में कम शो करते हैं और नहीं शो करते, कई लोगों का एक सेंटीमेंट्स ऐसे रहते हैं कि नहीं हमें जितना टैक्स बन रहा है उससे हमें कम शो करना है, तो अपने एक्सपेंसेस जो हैं वो कहीं बड़ा चढ़ा के दिखाते हैं, तो वहां पे आपकी टोटल जो इनकम है वो लो इनकम में चली जाती है। और हम लोग यहाँ पे आपका जो एक प्रोग्रामिंग है उसको थोड़ा सा फिल्ट्रेशन करके करते हैं। अच्छा, ये इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा, ये 4 जो तरह के लोन है ये हाई कॉस्ट लोन है, जो मैंने रेट आपको पहले बताए थे उससे ये मतलब जो लास्ट वाले रेट हैं ये 20 से लेके 36 तक जाते हैं तो वेरी करता है। तो कभी भी आप इस लोन के लिए जब अप्लाई करें तो जो भी आपका लोन करा रहे हैं या आप हमारे थ्रू आ रहे हैं तो पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट कंफर्म कर लें, अननेसरी आप अपना टाइम इस चीज पे मतलब आपके दिमाग में ही बिल्कुल ये रहनी चाहिए, कॉस्टिंग इसकी इम्पैक्ट ज्यादा आएगा क्योंकि एक बैंक आपका जब एक कॉल ले रहा है, जब एक हाई रिस्क पे दे रहा है, आप भी जिनसे जब व्यापार करते हैं तो जहां पे आपको पेमेंट लेट आती है तो वहां पे आप थोड़ा सा अपना मार्जिन बढ़ा लेते हैं, तो जहां आपके जो फिटमेंट में नहीं आता और जहां पे आपको पेमेंट जल्दी आती है वो बार्गेनिंग अच्छी करता है, आपको सीडी देना पड़ता है, सब चीजें होती हैं। तो सेम यहां पे भी जो बैठे हैं ये लाला बैठे हैं, इनको अपना जो आपका पैसा है वही ब्रेड बटर है, इंटरेस्ट ही आपका ब्रेड बटर है। आसिफ जी करते हैं अभी आपसे बात प्लीज। अभी कौन कौन से हमारे पार्टनर हैं, तो हमारे पास 20+ बैंक्स हैं जो कि बिजनेस लोन देते हैं, एनबीएफसी बहुत आ गए हैं भाई साहब, 40 से ऊपर के एनबीएफसी हैं जो आज की डेट में लोन फैसिलिटी प्रोवाइड करा रही हैं। ओवरड्राफ्ट में मैंने नाम लिख दिया है जिससे कि क्योंकि बहुत ही कम है, तो बजाज फिनसर्व है जो बहुत अच्छा बांट रही है आज की डेट में, टाटा बहुत अच्छा काम कर रही है, आदित्य बिरला ने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है, बहुत ही रिसेंटली स्टार्ट किया है, चोलामंडला में साउथ की कंपनी है इसने भी अभी रिसेंटली स्टार्ट किया, और एलएनटी ने तो अभी लास्ट मंथ ही स्टार्ट किया है। तो ये 3 कंपनियां जो जुड़ी है, एनबीएफसी सर कहते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन, तो ये जो बैंक्स जैसे बैंक क्या करता है आपका डिपॉजिट लेता है और फिर लेंडिंग करता है, तो एसेट और लायबिलिटीज दोनों होती हैं। एनबीएफसी क्या करती है वो एचएनआई का फंड होता है और मार्केट से प्रिक्योर करती है फंड, वो डायरेक्टली परचेज नहीं करती है, उसके लिए अलग से लाइसेंस लेना पड़ता है अगर डिपॉजिट लेती है। जैसे बजाज और एचडीएफसी लिमिटेड है ये एनबीएफसी है लेकिन वो डिपॉजिट के लिए अलग से लाइसेंस लेती है, तो आपको लेकिन नॉर्मली जो एनबीएफसीज हैं वो कभी भी आपको ऐसा डिपॉजिट लेते हुए नहीं मिल सकती हैं, तो डिबेंचर के थ्रू उनके अलग अलग अरेंजमेंट रहते हैं, एसेट्स के थ्रू एनबीएफसी फंड उठाती हैं, हाई कॉस्ट उठाती हैं, इसलिए हाई जब कॉस्ट रहती है तो लेंडिंग भी हाई रेट पे करती हैं, इसीलिए जहां पे बैंक्स का रिजेक्शन होता है वो इनके लिए अपना ब्रेड बटर रहता है। स्विच ऑन करना है तो इसको नीचे करना है, एक सेकंड प्लीज होल्ड कीजिए। सॉरी सो
ये वाली जो आपको मैंने फॉर्म्स बताई है ओवरड्राफ्ट ही देती हैं और पोर्टल पे देती हैं, इसमें कोई बैंक नहीं है आज की डेट में। पीयर टू पीयर ये बहुत अभी रिसेंटली चीजें आई हैं। पीयर टू पीयर क्या है, आज की डेट में कुछ पोर्टल्स आ गए हैं, कुछ फिनटेक्स आ गए हैं जहां पे वो, हाँ जी बिल्कुल, टीडीएस की लाइबिलिटी होती है इसके अंदर, थोड़ा सीए का खर्चा बढ़ जाता है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। उसके अंदर अभी तक ये क्यों अरेंजमेंट चला रखा है, कई बार एप्लीकेशन गई हुई है जहां पे बैंक्स ने ये बोला है, सर का भी क्वेश्चन आया है कि टीडीएस जो है वो हमें एनबीएफसी में करना पड़ता है, तो क्वार्टरली में आपको टीडीएस भरते हो और रिफंड जो है एनबीएफसी से मिलता है, तो ये एक एक्स्ट्रा एक आपका एनबीएफसी के अंदर काम बढ़ जाता है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। पीयर टू पीयर ये अभी बहुत मतलब बिल्कुल ये आप समझे अभी स्क्रैच लेवल पे है, लेकिन अब स्टार्ट हो चुका है। कई ऐसी मार्केट है जो कि पैसा उठा रही है और वो क्या करती है, एचएनआई फंड से अपने के ग्रुप्स बना लेती हैं जहां पे वो कहती हैं ये बंदे को ये प्रोफाइल हो और इसको पैसा चाहिए, तो जिसमें वो बहुत ही ब्लाइंड कॉल लेता है, किसी बंदे को 10 लाख चाहिए तो वो डालता है मैंने इस बंदे से इतना इतना पैसा ले लिया, और जैसे मान लो उसने 5 लाख इनसे उठाया, 2 लाख उनसे उठाया, अभी 3 लाख शॉर्ट है, तो वो उसमें अपना शो करता है और पीयर टू पीयर का एक अलग सिस्टम है। पर आने वाले जो पार्टनर्स हैं इसमें हमारा पीयर टू पीयर भी है, बैंक भी है, एनबीएफसी भी है, तो ये सब तरह के हमारे पास क्लासिफिकेशन है जहाँ पे हम लोग लेंडिंग करवाते हैं। अभी इसके अलावा अब क्वेश्चन आप बहुत कर सकते हैं। मेरा आपका तो मैं विचार जी इनके जो क्वेश्चन से टाइप किए हुए हैं उन्हीं के ऊपर रिप्लाई करेंगे, हमें इनको सर उसमें लेना है क्यों कमेंट यहाँ पर ऑप्शन आ रहा होगा नीचे, स्लाइड आ रही है पे। Q&A क्वेश्चन। यस ठीक पहले यहाँ के क्वेश्चंस को कवर कर लेते हैं, फिर उसके बाद में ठीक है, वन बाय वन डन डन कनेक्ट होंगे। डन जी। तो महापात्रविद आनंद जी कह रहे हैं कि एचएल प्रॉब्लम हाउ कैन गेट ए लोन और ओडी। देखिए अभी सिबिल के प्रॉब्लम जो है वो इतनी जल्दी रिजॉल्व नहीं होती है, उसके लिए अगर मैं आपको बताऊं कि सिबिल को प्रॉब्लम को आपको रिजॉल्व करना है तो बहुत ही अलग प्रोसेस है। पहले तो जो आपके लोन अभी खराब हो रखे हैं पहले आपको उनको बंद करना है, उसमें आपको बंद करने के लिए आपको एक सेकेंड, आपको जो अपने लोन्स हैं वो सारे के सारे पहले बंद करने हैं, कोई सेटल्ड नहीं करना, आपको सारे के सारे जो लोन्स हैं उनको कंप्लीट क्लोजर करना है, बैंक्स पे जाना है, उनको अपना आपका जो भी प्रॉब्लम था, कोविड का प्रॉब्लम था, कोई भी प्रॉब्लम था, उनका स्टेटस क्लोज कराना है। अगर आपका खुला हुआ है तो वो आपका स्कोर ड्रॉप करता रहेगा। सबसे पहले आप सिबिल की ऑथेंटिक साइट समझिए, सिबिल की ऑथेंटिक साइट है ट्रांस यूनियन की, तो sibil.com पे जाएं, वहां पे आप पेमेंट दें, मिनिमम 750 वाला लेंगे, उसके ऊपर 1 साल वाला लें, 6 महीने से 1 साल वाला लें, बिकॉज 3 से 4 महीने लगते हैं किसी सिबिल को ठीक के लिए। आपको लगता है आपके सिबिल के अंदर कोई गलत इंफॉर्मेशन डाल दी गई है, जो लोन आपने नहीं लिया या फ्रॉड किया गया है, या कोई आपके साथ कोई ऐसी चीज थी जो आपके नॉलेज में नहीं थी और आपको दे दी गई, और लोन आपसे जैसे क्रेडिट कार्ड में आमतौर पे होता है, क्रेडिट कार्ड आपको फ्री बोल के दे जाता है कि सर इसके अंदर कोई भी मंथली या ईयरली चार्जेस नहीं है, जब आपका 1 साल होता है तो आपको ईयरली चार्जेस लग के आ जाता है, और ये बड़ा नेचुरल है। कई जगह पे आपको जो कार्ड दिया जाता है उसके बाद ही उसमें एक कोई इंश्योरेंस डाल देते हैं, आपको पता नहीं होता, अपना पेमेंट के लिए आपके पास फोन आता है, बाद में एकदम से सरप्राइज होते हो कि सर इसमें इतने चार्जेस लग गए जो आपने यूज नहीं करी सर्विसेज, तो वहां पे आप वो दो तरीके से काम करना है, रेस्पॉन्डेंट बैंक को, और ये काम आपको रेगुलर बेसिस पे वीकली अपडेट रखना है, वीकली आपको मेल डालते रहना है। वहां पे कुछ ऐसा एल्गोरिथम है, क्योंकि मैं कई ऐसे काम कर चुका हूँ जो आपको वीकली अपडेट करने हैं, वीकली अपडेट करने से आपकी जो सिस्टम, आपका जो क्वेरी है वो एक कंसर्न अथॉरिटी में कम से कम 2 महीने के बाद पहुंचता है, आप ऐसा बिल्कुल समझना, आपको 2 महीने के बाद एक्टिव होता नजर आएगा, 2 महीने से पहले वो लोग का बहुत अच्छा सस्टेन आंसर नहीं आता है, तो फिर जाके आपका वो आपको क्वेरी पे बैठाएंगे, आपका पूरा असेसमेंट पकड़ेंगे और आपका रिजॉल्व होंगे। तो आप मेरे से पूछोगे कि कितना टाइम लगता है, तो 3 महीने एटलीस्ट आपको अपना सिबिल को रेक्टिफाई करने में लगता है। अभी तो ये हुआ कि आपका जो लोन चल रहे हैं उसको आपने बंद कर दिया, या जो कमी थी उनको आपने रिडल्सल में डाल के बंद कर दिया, अब आपका लेकिन सिबिल यहाँ से भी ठीक नहीं होता, लेकिन आपका कम होना, नीचे होना बंद हो जाता है।
अब आपको क्या करना है, सिबिल को जंप करना है। तो सिबिल जंप लेने के लिए आपको पहले सिबिल की एलोग्रिथम को समझना पड़ता है। सिबिल में जो स्कोर है वो आपके कैसे बढ़ते हैं, 5-5 नंबर बढ़ते हैं जब आप लोन की हर महीने ईएमआई देते हो। और अगर आपका जितना शॉर्ट टर्म लोन होता है उतनी जल्दी आपके पॉइंट्स बढ़ते हैं, लॉन्ग टर्म में आपकी नंबर्स कम बढ़ते हैं। लेकिन जो जंप मिलता है वो मिलता है आपका जब लोन क्लोज होता है। तो आपने दो तरह के लोन लेने हैं, चाहे आपकी जरूरत है या नहीं है, आप ऐसा समझो। आपने सिबिल ठीक करने के लिए लोन उठाना पड़ रहा है आपको, ऐसा समझो। तो आपको कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन्स उठाने हैं 6 महीने के लिए, गोल्ड लोन उठाना है, गोल्ड लोन उठाना है 6 महीने के लिए, और आपको 6 महीने की ईएमआई देनी है और पूरा उसको लोन अकाउंट बंद करना है। तो जब आप बंद करोगे तो आप देखोगे 50 से 100 पॉइंट आपके एकदम से इंक्रीज करते हैं, जो कि आपको बूस्ट करते हैं। तो कई जगहों पे आप 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, 1 साल इस तरीके से चलिए, आपका सिबिल स्कोर चाहे 500 आ गया हो, 600 आ गया हो, या 450 भी आ गया, थोड़े ज्यादा एन नंबर ऑफ लोन उठाएंगे आप कहीं ना कहीं एक पोजिशन पे आ जाएंगे। जब आपको लगे कि आपका जो है 650 से प्लस या 700 आ गया है, तो आप सिक्योर्ड लोन के लिए जाइए। कोई भी आप गाड़ी का लोन, स्कूटर का लोन, इस तरह के लोन उठाइए, बड़े लोन उठाइए, लेकिन आप अनसिक्योर्ड या क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई लेके और अपना मत खराब करिए। ज्यादा इंक्वायरी डालना, ज्यादा इधर उधर डालना फाइल के लिए, वो भी आपका सिबिल स्कोर कम करते हैं। तो अपना जब भी आप डाल रहे हैं पर्पजली डालिए। हर किसी को अपनी लोन की फाइल मार्केट में मत बांटते फिरिए, या कोई लिंक आता है उसको मत देते रहिए, वो भी आपके सिबिल स्कोर को कम करता है। वो उसकी एक कैलकुलेशन ऐसी है कि आपको मंथली इसमें 5 से ज्यादा सिबिल इंक्वायरीज हैं, उसके बाद सा सिबिल आपका स्कोर डाउन करना शुरू कर देता है। तो ये भी एक कैलकुलेशन है जिसमें ड्रॉप डाउन होता है। तो महापात्र जी, आई बिलीव मैं आपका आंसर दे चुका हूँ। नीचे आते हैं विक्रम श्रीवास्तव जी के से। इनका क्वेश्चन है कि माय कंसर्न इज 1.6 ओल्ड विद अ टर्नओवर ऑफ अप्रोक्स 1 करोड़, आई एम एलिजिबल फॉर विजा। बिल्कुल विक्रम जी, मैंने आपको जैसा अभी आंसर दिया बिल्कुल है, और आप हमसे लास्ट वाली मेरी स्लाइड्स के अंदर नंबर है, या इसी के अंदर अभी ये आपको एक फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म को सबमिट कीजिएगा जिसमें हम आपका काम कर सकते हैं। प्रॉपर्टीशिप फॉर्म है, बिल्कुल चला सकते हैं, 5 से 10 लाख आपको बिल्कुल मिल जाएंगे। असीम पटेल जी, सिबिल जो है वो आपका एक 2000 के अंदर एक एप्लीकेशन बनाई थी जिसमें बैंक और LIC थे, HDFC बैंक और LIC थे, जिन्होंने ये एक तरीके का पोर्टल बनाया जिसमें सारे सिबिल में सारे बैंक्स डालते हैं। अभी आज की डेट में 4 कंपनियां जो सिबिल को रन करती हैं, ट्रांसयूनियन ऐसी कंपनी है जो सबसे ज्यादा यूज करी जाती है, फिर एक क्रिफ है जो कि नेशनलाइज बैंक करते हैं जिसमें इक्विफैक्स और दूसरी एक और एक्सपीरियन कर चलती है, और रिलायबल रिसोर्स है वो आपकी ट्रांसयूनियन है। तो आप अगर सिबिल.com पे जाएंगे तो आपको ज्यादा पता लग जाएगा व्हाट इज सिबिल। फिर ललित आहूजा जी का केस है कि वेदर PCFC लोन इज अवेलेबल फॉर एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। सर बिल्कुल, ये PCFC का नहीं है हमारा जो आज के सेशन है, लेकिन PCFC पे भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ये वाला बिल्कुल एक्सपोर्ट सर्विसेज के लिए आपका हम लोग देख सकते हैं। व्हाट आर दी ऑप्शन फॉर ट्रेडिंग फर्म्स? सर ट्रेडिंग फर्म में भी ले सकते हो, अनलाइक जैसा मार्केट में रहता है हम ट्रेडिंग के अंदर भी देते हैं। बट ट्रेडिंग आपकी कितनी कैसी है, बहुत छोटी तरह की अगर ट्रेडिंग आप कर रहे हो और विदाउट स्टॉक कर रहे हो तो कंसर्न एरिया है, और बहुत बड़ा लार्ज स्केल पे भी कर रहे हो जैसे सुपर डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, वो भी एक दिक्कत रहती है बिकॉज उसमें टर्नओवर बहुत ज्यादा निकल जाता है। तो एक जो एडुकेट रहती है कि रिटेल में ट्रेडिंग कर रहे हो आप, आपका स्टॉक दिखता है, तो यू कैन क्वालिफाई दिस लोन अमाउंट, आप ले सकते हो, BL दोनों ले सकते हो। विद सिविल प्रॉब्लम हाउ कैन गेट लोन और OD? सर अभी जो सबसे पहले आपको समझाया उसके अंदर आप बिल्कुल ले सकते हो, तो लेकिन सिबिल पहले आपको अपना करना पड़ेगा। अनसिक्योर्ड अमाउंट आपको, जब तक अपना सिबिल पे आप काम नहीं करोगे तब तक दिक्कत है। 1.8 CR सतीश जी का, सतीशा जी का एक आया है क्वेरी, एक सेकंड। सतीशा जी का है कि टर्नओवर लास्ट ईयर विद ऑडिट रिपोर्ट, बहुत बढ़िया जी, नीड गाइडेंस एंड हेल्प टू प्रोक्योरिंग लोन, वी आर फूड प्रोसेसिंग फ्रॉम बैंगलोर। सर बिल्कुल, हमारा बैंगलोर में भी काम है और हम लोग वहां से भी सर्विसेज देते हैं, आप बिल्कुल डालिए और आपका लोन हो जाएगा। आप मुझे बताएंगे लोन कितना चाहिए, हम वर्किंग कराएंगे, और जहां तक आप मुझे लग रहा है आपका टर्नओवर देख के बहुत अच्छा आपका लोन कर सकते हैं। सुदीप जी का है, काइंडली एक्सप्लेन पीयर टू पीयर वंस अगेन। सर पीयर टू पीयर आप सर्च करना गूगल पे, ये नीति आयोग का जो अमिताभ कांत थे ये इंट्रोड्यूस किया था इन्होंने। इसमें क्या है, अभी बैंक का उनका एक सिंपल सा थॉट प्रोसेस है कि सर बैंक नहीं चाहिए हमें, बैंकिंग चाहिए।
तो अभी एक प्लेटफॉर्म के थ्रू, एक आपके मान लीजिए मैं, आप सुदीप जी हैं जिनके पास पैसा है और वो हाई रेट पे इंटरेस्ट पे एफडी नहीं कराना चाहते, हाई रेट पे लोगों को पैसा देना चाहते हैं, बट वो एनबीएफसी और इस तरीके के झमेलों में भी नहीं पड़ना चाहते हैं, तो वो एक प्लेटफॉर्म के थ्रू दूसरे हेल्प जिनको चाहिए उनको दे सकते हैं। तो देर आर अभी फिनटेक्स हैं जो कि यूज कर रहे हैं इसमें, छोटा छोटा अमाउंट आप 4-5 लोगों से लेके अपना काम चला सकते हैं और वो आपकी लास्ट की रिपेमेंट के देखते हुए आप मार्केट में और भी कर सकते हो। इट इज लाइक अ प्रोफाइल फंडिंग, ऐसा बिल्कुल आपको बताऊं तो प्रोफाइल फंडिंग है और हाई रेट पे हम HNIs बैठे हुए हैं जो आपकी प्रोफाइल पे देख के लोन दे रहे हैं। नलिनी जी का है, सर विल यू टेक दिस वेबिनार इन इंग्लिश? सो सॉरी मैडम, अभी मैंने देखा तो आप, मेरी प्रेजेंटेशन वैसे इंग्लिश में थी ज्यादातर जो मैंने टाइप की हुई थी। आई बिलीव नेक्स्ट टाइम मैं डेफिनेटली मैं आपका ये वाला जो कंसर्न, आई टेक केयर इन इंग्लिश ऑल दो। सो फॉर टुडे इटसेल्फ, इट्स माय मिस्टेक फ्रॉम माय साइड, मेरे को यहाँ तो चेंज करना चाहिए था बट आई डिडंट गेट। अंकित मित्तल जी, आई एम लुकिंग फॉर अ मशीनरी लोन, फॉर विच बैंक इज आस्किंग सो कोलेटरल ऑफ इवैल्यूएट वैल्यू, प्लीज लेट मी नो इफ यू टेकन अ मशीनरी लोन कोलेटरल फ्री। सर देखिए, अभी मशीनरी लोन का क्या है, मार्केट में एकदम से काफी दिक्कत आ गई है, तो अभी 2-3 ही एनबीएफसी हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं। प्रेफरेबली अंकित जी देखिए, मशीन लोन लेने के लिए ना आपके पास जो जहां से आप मशीन प्रिक्योर कर रहे हैं, आप उन्हीं से बात करेंगे कि मेरे को मशीन जो आपसे चाहिए वो लोन पे चाहिए, तो ज्यादातर तो आपका जो सॉल्यूशन है वही लोग प्रोवाइड करा देते हैं, लेकिन फिर भी आप रहेगा तो आपको देखो, वर्किंग कैपिटल में तो मशीन लोन बहुत इजी है, स्टैंड अलोन मशीन लोन में आजकल दिक्कत है, तो आप अनसिक्योर्ड लेके ही काम चला सकते हो, बहुत ज्यादा रेट का वेरी इसमें नहीं करता है, आप अपने मशीन में भी काम कर सकते हैं मशीन लोन। थोड़ा सा अभी मेरे को भी पता है कि दिक्कत आ गई है। व्हाट इज द बेस्ट, दुष्यंत जी पूछ रहे हैं व्हाट इज द बेस्ट मेथड टू गेट लोन फॉर अ न्यू स्टार्टअप? सर देखो, मैं आपको बड़े अंदर के ना एक तार बता रहा हूँ दो, आप अगर जॉब में हैं, देखो मैंने स्टार्टअप्स को, फैमिली में ऐसे मेंबर हैं जो आपको सपोर्ट कर सकते हैं, एज ए अगर सैलरी है तो बहुत बढ़िया है, सैलरी में है और उससे लेके पीएल्स लेके आप स्टार्टअप में चला सकते हो, उसको आप अपना बिजनेस में एज ए फाइनेंशियल इंट्रोड्यूस करवाओ, आप इधर उधर के अभी चक्रों में मत पड़ो। आज स्टार्टअप आइडिया पे या आपके कन्विक्शन के ऊपर नहीं मिल रहा है, वो आपकी वर्किंग के ऊपर मिल रहा है, आपको 2 से 3 साल 4 साल आपको वर्किंग करोगे, पैसा कमा के दिखाओगे तो वैल्यू बनती है कंपनी की, तभी आप पे कोई पैसा लगाएगा, आप इधर उधर के चक्रों में अभी अपना पैसा और टाइम दोनों खराब करोगे। बेस्ट टू गेट टू फंड कि आप अपने कोई सारे लोगों को इंट्रोड्यूस करवाओ जिनके फाइनेंशियल बेसिस पे आप पैसा उठा के उस पैसे की जो रिक्वायर जो भी आगे के फर्दर जो रिपेमेंट है वो आप करो और उनको बोलो कि आप जो है फंड आपके साथ एज ए पार्टनरशिप में लगाएं, तो इस तरीके का कुछ आप कर सकते हो, अरेंजमेंट तो कर लो। लेटर ऑन हमारे इसमें और भी स्टार्टअप्स के लिए चीजें चलती रहती हैं, उसके लिए क्वालिफाई करने के लिए कई सारी चीजें हैं, आप इसी के उद्यम के साथ ही आप जुड़े रहें, यहाँ पे हमने स्टार्टअप्स के लिए भी कई सारे अरेंजमेंट किए हुए हैं उसमें, लेकिन जो प्रोसेस है थोड़ा सा स्मूथ करने का तरीका अलग है, तो वो प्रैक्टिस बहुत अलग है। आज जो हमारा कर रहे हैं ये रिटेल जो डायरेक्ट बैंक और एनबीएफसी के साथ कर रहे हैं वो है, तो आप डायरेक्ट आएंगे यहाँ पे 5 से 7 दिन में काम होता है वैसा करके, तो ये स्टार्टअप्स के लिए ये वाला सेशन वैसे नहीं है। प्लीज शेयर योर नंबर, हाउ कैन यू हेल्प विद दिस? आप इसके अंदर एक फॉर्म आएगा, आप करेंगे, आपको सारी चीजों का कॉल आएगा। नमस्ते, एक और है, यूर कलेक्शन एजेंट एलिजिबल फॉर MSME OD? नहीं सर, आप बिल्कुल नहीं है, नेगेटिव प्रोफाइल है, सॉरी। महापात्र आनंद जी लिख रहे हैं सिबिल प्रॉब्लम ड्यू टू ओवरड्यू। सर ओवरड्यू ही प्रॉब्लम है, तभी बोल रहा हूँ उसको आप बंद कराओ, ओवरड्यू का कहीं से भी अरेंजमेंट लेके इसको बंद करोगे तभी सिबिल ठीक होगा। प्लीज शेयर नंबर। फ्रेश फर्म के लिए लोन का क्या ऑप्शन है? सर फ्रेश फर्म के लिए कोई ऑप्शंस नहीं है, सॉरी टू से। हमारी फर्म 3.5 ईयर ओल्ड है, अश्विनी जी पूछ रहे हैं, एंड टर्नओवर लास्ट ईयर 3.5 CR, करंट ईयर टिल रेट इज 8 CR, हाउ गेट? अरे वाह सर, बहुत ही बढ़िया, आपके लिए तो सब रास्ते खुले हैं, कितना चाहिए आप ये बताओ, आप फटाफट आपका लोन कराएंगे हम, तो हम इसी आपके लिए बैठे हैं सर, समझो आप। अकरम मोहम्मद जी पूछ रहे हैं, हाय सर, वी आर बैंकिंग कलेक्शन एंड आर सिविल रैंकिंग इज 4। सर कलेक्शंस वाले यार सारे यहाँ पे नहीं करते हैं कलेक्शंस को, देखिए आप अनसिक्योर्ड ढूंढ रहे हैं कलेक्शंस के लिए तो नहीं मिलेगा, सिक्योर्ड में कलेक्शंस वालों को फिर मिल जाता है, आप अपना टाइम खराब करेंगे और फाइल का सिबिल भी अपना खराब कराएंगे, मत डालिएगा अनसिक्योर्ड के लिए।
महापात्र जी पूछ रहे हैं हाउ मच मिनिमम सिबिल नीडेड फॉर अनसिक्योर्ड लोन। सर मिनिमम आप 750 बैंक के लिए और 650 प्लस जो है आपका एनबीएफसी के लिए है। राजकुमार जी पूछ रहे हैं स्टार्टअप कंपनी को सिबिल का क्या करना है सर। सर सिबिल देखिए ये स्टार्टअप्स के लिए नहीं है, ये एस्टेब्लिशमेंट बिजनेस के वर्किंग कैपिटल के लिए बिजनेस लोन का पैसा मिलता है, हम लोग स्टार्टअप्स को फंडिंग नहीं कराते हैं। फिर उसके बाद विक्रम जी का है प्लीज हेल्प आंसर मी क्वेश्चन टू। सर डाल दिए सर आपके, अभी सिबिल स्कोर इज 733 एंड टू सेटल्ड अकाउंट इन द ग्रांटर, कैन आई गेट अ टर्नओवर अराउंड 65 लाख। सर नहीं, इसके अंदर आपको सेटल्ड अकाउंट हैं तो वो सेटल्ड कब किए आपने, कौन से टेन्योर में किए, उसके बाद आपने कौन सा लोन लिया है, तो पूरा सिविल देख के असेसमेंट करना पड़ेगा तभी आप क्वालिफाई कर सकते हैं। विक्रम जी मैंने आपके शायद क्वेश्चन का आंसर पीछे ऊपर दे चुका हूँ। ऋचा जी ऑलमोस्ट इसमें सारे आंसर आ चुके हैं। ओके सर हरदेश जी का क्वेश्चन है, मैं एक बार उनको उनको ले लेती हूँ। हाँ जी हरदेश जी अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं सर से आप। राकेश जी अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप सर से। राकेश जी आपको आवाज आ रही है? जी हाँ, हाँ तो मेरा क्वेश्चन ये था कि हम लोगों ने बेसिकली व्हाट वी डू इज वी आर डूइंग एचआर कंसल्टेंसी। ओके सो वी स्टार्टेड दिस बिजनेस इन सितंबर 2021। नाउ वी आर सिंस मोर देन वन सॉरी टू से व्हिच कंसल्टेंसी यू आर सेज एचआर कंसल्टेंसी। एचआर कंसल्टेंसी राइट, प्रोवाइड वी प्रोवाइड अ रिक्रूटमेंट सपोर्ट टू आईटी इनेबल्ड कंपनीज एंड आईटी कंपनी which is in Mumbai and so got it. We started getting a revenue only from this December. So now we already have a monthly revenue close to 1 lakh to 1.5 lakhs from December onwards. Okay. So okay. I am not looking for a very huge amount, but around 2 to 5 lakhs. So is it possible to get a OD or a, because my requirement is not constant. Like I need to just put some money and then agreed Rakesh ji, but I need got it Rakesh ji, your question is coming to us. So this is we have actually for any purpose we need at least 6 months of bank statement in which 4 credit entries of for a business prospect and 4 debit entry. So if you qualify in these parameters we can consider for a loan prospect, unlike if you have a vintage of more than 6 months we need it. So after this December is going on, if you say so after May month you can apply, after May month you can apply for this loan. ठीक है सर, okay, thank you. निमेश जी आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं सर से। हेलो या निमेश जी कैसे हैं सर। सर फाइन, मुझे मैंने आपको क्वेश्चन लिखा था बेसिकली somebody is told me that I need to share CMA data and projections. निमेश जी मैं आपको बताता हूँ, सी दिस इज अ बिजनेस लोन अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन प्रेजेंटेशन, CMA डेटा वहां पे हमें चाहिए जहां पे हमारा प्रोजेक्ट लोन के लिए आप कंसिडर कर रहे हैं लोन को, दोनों का जो साइकिल है वर्किंग है एंटायरली डिफरेंट है। प्रोजेक्ट लोन के लिए हमें सीएमए डेटा और सारा डिटेलिंग चाहिए, उसका जो प्रोसीडिंग होता है बैंक का वो टेकअप भी बहुत अलग तरीके से क्लासिफाइड होता है। आज के जो हमारी प्रेजेंटेशन है इसमें हमारा वर्किंग बिजनेस मॉडल में हम लोग देखते हैं और उसमें बिजनेस लोन के लिए जो आपका वर्किंग कैपिटल गैप है उसको फुलफिलमेंट करने के लिए ये ऑप्शन है ये बिजनेस लोन। इट इज नॉट अ फॉर की प्रोजेक्ट के लिए हम इसको नहीं फंड करते हैं बिकॉज वो ज्यादा रिस्की एक तरीके का प्रपोजिशन है रेदर देन दिस। तो हम लोग 3 साल का हम लोग जो बैंक एक देखता है वो 3 साल का स्टेबल बिजनेस देखता है, तो हमें सीएमए डेटा बिल्कुल नहीं चाहिए। हाँ तो सर वही है, मेरा एंटिटी तो 2020 में फॉर्म हुआ है
और वी आर ग्रोइंग वी हैव ऑलमोस्ट टच 13 crores लास्ट ईयर एंड नाउ फॉर 6 मंथ्स वी हैव ऑलरेडी टच 18 crores एंड माय मंथली रेवेन्यू इज अराउंड 2.5 सो वी रिक्वायर्ड यू आर वेरी मच क्वालिफाइड सर फॉर लोन सो दैट्स बेसिकली सो यू बी यू डू फॉर बॉम्बे बेस्ड बिजनेस आल्सो Yes, sir. Yeah. We have a like a proper branch over there. We have a branch in Bangalore, Hyderabad, Pune, Mumbai. So we have very sound in South Division. Please help us because we required. Sure, sir. Sure. After that, this link, there is a form coming to your WhatsApp or your mail. So आप वो फाइल करके मेरे को एक बार फॉर्म आप सबमिट करो मेरे यहाँ से मैं या मेरे कोई टीम मेंबर आपको सपोर्ट के लिए पूरा यहाँ पे है. Yeah, sure. That's the my report. Thank you. Yeah. Parit ji, आप अपना question पूछ सकते हैं सर से. Parit ji. Parit ji, unmute कर लीजिए. हाँ जी, please. Hello. जी. कच्चा. Parit ji. जी जी, मैंने आपको एक message करवाया था सर. I just wanted to know कि हमारा already we have a hybrid flexi loan from Bajaj. Okay. बजाज ने हमको आई थिंक 40 लाख तक करवा दिया क्या ओडी वी आर इंटरेस्टेड ओनली इन ओडी फैसिलिटी सर वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन द ईएमआई टाइप ब्रेकडाउन बिजनेस लोन तो ऐसा है सर वी हैव आई हैव कपल ऑफ फर्म सर बट माय सिबिल स्कोर इज अराउंड 843 843 यस तो उसमें या इट इज क्वाइट डीसेंट सर बट कुछ क्रेडिट मैनेजर जो होते हैं ना सर कभी कुछ जोकर होते हैं मेनली वो उनको बिजनेस समझ में नहीं आती है माय जनरल परसेप्शन तो रिसेंटली वी वर ऑफर्ड फ्रॉम टाटा एंड एलएनटी तो इन्होंने क्या किया था तो ये लोग दे हैव प्रॉमिस्ड मी अराउंड 75 लाख दैट वी कैन यू नो वी कैन डू दिस काइंड ऑफ फैसिलिटी फॉर यू बट एक्चुअली कोविड के अंदर आई हैड अ लॉस मैं तो वो हुआ था बट आई वाज एबल टू रिकवर 3 टाइम्स दैट अमाउंट इन द लास्ट ईयर तो दिस वाज बिकॉज़ वी वर बिकॉज़ क्या था अभी हम वी वर प्लानिंग हम प्लान कर रहे थे कि हमारा अभी हम एक्सपोर्ट करते थे तो नाउ हम थोड़ा इंपोर्ट भी करेंगे तो मेरा जो ऑलरेडी सीसी चल रहा है वो सब चीज मैं एक्सपोर्ट नहीं करना चाहता था उसको आई डोंट वो उसको मैं इन्वॉल्व नहीं करना था इंपोर्ट में तो इसलिए आई वाज लुकिंग फॉर एडिशनल फाइनेंस तो ये लोग जो है तो उन्होंने बेसिकली 35 लाख तक आके दिए तो मैंने उनको वैसे ही ऑफिस के बाहर करवा दिया तो आई डोंट नो इनके अलावा इफ देयर इज एनी अदर जो जनरल पर्सन है जो ढंग के है जो मार्केट में जो करवा सकते हैं सब काम सर सर देखो मैं आपको पर्सनल सजेस्ट करता हूं फरीद जी अनसिक्योर्ड में जो बिजनेस लोन वाले हैं ना वो काफी कंजर्वेटिव हैं बिकॉज अभी क्या होता है अभी आप यू आर कंसिडर अभी सारा जो बैंक का रेट है वो रेपो रेट बेस्ड हो गया रेपो रेट मीन्स आरबीआई जो लेंडिंग कर रहा है 6. अभी जो कर रहा है वो 6.35 पे कर रहा है सो मेरा पैसा जो मेरे को अभी परचेज कर रहा हूँ अभी आप यूज नहीं करते हो तो मेरे को उतने का कॉस्ट पड़ता है तो मैं और एनबीएफसी का फंड है सारे का सारा तो उसको और कब करता है लेट सपोज टू बी आपने 10 लाख रुपीस का उठाया अनसिक्योर्ड एंड यू आर यूटिलाइज ओनली फॉर 6 मंथ आपने 6 मंथ यूज ही नहीं किया तो ये लॉस मेकिंग प्रपोजिशन हो जाती है किसी भी एक एनबीएफसी के लिए तो वो क्या करते हैं अभी उनका क्या रहता है कि 100 रुपए पे 20 रुपए ही वो ओडी के लिए देते हैं 80 रुपए जो है वो मार्केट में नहीं देते तो ये एक तो फंड की एलिबिलिटी जो है काफी कम है इसकी जो पॉलिसी है थोड़ी स्ट्रिंजेंट है इसमें कॉल नहीं लेते हैं इफ यू आर ऑप्ट फॉर अभी आप तो बोलो कि अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन चाहिए ईएमआई बेस्ड वाला तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शन आ जाएंगे बिकॉज ये बहुत बड़ा एक प्लेटर है बहुत बड़ा एक तरह का पूल है साइज लेकिन अनसिक्योर्ड के अंदर ना पूल साइज बहुत लिमिटेड है इसमें कॉल्स नहीं लेते हैं बिकॉज वो जो अंडरराइटर है जिनको अभी आप बोल रहे हो वो समझते नहीं है उनको खुद को बड़ा प्रेशर रहता है कि उनके पास क्या है ना डिमांड सप्लाई का खेल है दे हैविंग गेट अ डेली 400-500 फाइल्स आप समझो अगर पैन इंडिया लेवल पे अगर आप इनका कलेक्टिवली देखोगे तो बहुत नंबर ऑफ फाइल्स आ जाती हैं और उनको करनी कितनी है 50-25 फाइलें करनी है पूरे दिन के अंदर तो उनके पास बहुत सारा नंबर ऑफ फाइल का रिजेक्शन है मतलब दे आर नॉट अ मर्सी की वो उनको करना है वो कहते हैं कि भैया ठीक है अपने को जो हमारी फिटमेंट में बिल्कुल सूट में बैठ रहा है स्मूथिंग में बैठ रहा है हम उसी को करेंगे जिसमें थोड़ा सा भी कॉल है हम उसको नहीं करेंगे यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा भी दिमाग खर्चा करना पड़ रहा है मेरे को नहीं करना तो ये डिमांड सप्लाई वाला सारा सब चीजें हैं आप ऐसा कर सकते हो फॉर शॉर्ट टर्म के लिए आप अपना अनसिक्योर्ड भी साथ में ले सकते हो आप कॉम्बिनेशन में चले जाओ आप थोड़ा सा पीएल उठा लो थोड़ा सा ये उठा लो तो आपका जो अपना रिक्वायरमेंट है वो सरफेस कर सकते हो बिकॉज पॉइंट ये सर है नहीं ना मार्केट में अवेलेबिलिटी नहीं है आपको मैंने इसमें प्रेजेंटेशन में दिया ओनली 5 प्लेयर्स आर देयर
लेकिन आप बात कर चुके हो, दोनों अभी लेटेस्ट अभी काम करना शुरू किया, आदित्य बिल्ला और एलएनटी जो है बड़ा लेटेस्ट अभी इंट्रोड्यूस, तो चोलामंडलम भी है, बट दे आर ऑल्सो मतलब ये भी सेम आपको वही बता रहा हूँ, ये लोग अभी हाँ नहीं करना चाहते। थैंक यू सर, आपने सही बताया सर, बिल्कुल ठीक सर। आसिफ जी अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं सर से। हेलो सर जी, नमस्ते। नमस्ते जी आसिफ, नमस्ते, बताएं सर जी। मेरा एमएसएमई अंडर में है, हमला नेवा इंडियन नेवी के साथ में हमारा काम चलता है, तो ऑलरेडी अच्छा, हमारा एग्जिस्टिंग सर सीसी है 20 लाख का लिमिट, तो उसको एक्चुअली एक्सटेंड करने के लिए कुछ बैंक उतना ये नहीं करते हैं, तो क्या आपके जरिए या आपके रिसोर्स से कर सकते हैं, उसके लिए कोलेटरल भी है विदाउट कोलेटरल भी का? सर देखिए आज का जो सेशन है ये विदाउट कोलेटरल का था, तो आपके अगर फाइनेंशियल सपोर्ट करते होंगे तो डेफिनेटली आप ओडी फॉर्म के अंदर ले सकते हैं, बट ये सीसी से थोड़ा महंगा होता है, सीसी में आपने वहां पे कोलेटरल दे रखा है तो दोनों के अंदर रेट का फर्क आता है, तो हाँ। अगर आपके पास कोलेटरल है तो मैं आपको बोलूंगा जहां से सीसी चल रही है, बिकॉज मल्टीपल में बैंक्स आपको छोटे प्रोफाइल में नहीं देते हैं, जहां पे 10 सीआर एंड अबव जहां पे कॉर्पोरेट में होता है वहां पे बैंक्स मल्टीपल में चले जाते हैं, और हाँ। मतलब लाइक एमएसएमई मल्टीपल में नहीं जाते हैं बैंक्स, तो आई वुड सजेस्ट कि आपका लास्ट में जहां पे आपका सीसी चल रहा है आप उन्हीं को दूसरा कोलेटरल देके उनसे अनाउंसमेंट के लिए लीजिए, लेकिन आपको लगता है कि नहीं मेरा ये सपोर्ट नहीं कर रहे आप बैलेंस ट्रांसफर करवा लो, आपका अपना पुराना वाला उठा के आप किसी दूसरे बैंक में साथ में देके उसको प्रपोजिशन दे सकते हो, तो समम आज की डेट में अभी जो ये टाइम था सर जो अभी दिसंबर के बाद से, तो जेएफएम में सारे बैंकों को अपना टारगेट पूरा करना पड़ता है, आप लास्ट जब गए होगे तो उनकी नाव, बट अभी उनका हंगरनेस है, अभी आप जाओगे तो आपका जरूर काम होगा, बाकी आपको कोई और चीज चाहिए तो आप हमारे यहाँ पे कर सकते हैं, अभी आपका हम सारा ये जो दोबारा आपसे बीच में आपसे बात करके कर सकते हैं कन्फर्म कि आपका लोन का काम हुआ है नहीं, तो सर आपके हेल्प से हो सकता है क्या? हेलो नहीं हुआ तो एक बार फिर देखेंगे, तो आप एक फाइलगा वो एप्लीकेशन फॉर्म आप हाँ सर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, मुझे उसके लिए थोड़े से आपके डॉक्यूमेंट लगेंगे। संजय जी आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं सर से। जी सर नमस्ते। नमस्ते संजय जी। सर जी मेरे को ये सीजीटीएमएससी में एक 50 लाख चाहिए था, वो मिल जाएगा क्या सर आपके इसमें? सर आज का जो सेशन था ये बिजनेस लोन का था, सीजीटीएमएससी के लिए हमने लास्ट सेशन किया था, अभी तो लास्ट सेशन हमारा सीजीटीएमएससी में ही था, बट अभी जैसे अगर आपको मैं बताऊं सीजीटीएमएससी की थोड़ी सी जो क्वालिफाइड लोन करने के लिए होती है थोड़ी स्ट्रिंजेंट ज्यादा होती है, बिकॉज एक तो ये आपका क्या है, बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग का है कैसे है? ट्रेडिंग का है सर, कॉटन ट्रेडिंग का है, ऑलरेडी मेरे पास सीसी कैनरा बैंक ने दिया हुआ है 90 लाख का। तो सर इन्हीं से ही आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो आप सीजीटीएमएससी के लिए, आपको दूसरा कोई बैंक नहीं देगा, नहीं अगर सर, आपको सीजीटीएमएससी चाहिए कोई नहीं देगा सर, सीजीटीएमएससी के अंदर ये ना थोड़ा सा एक कंसर्न एरिया है जहां से आपके जो ऑलरेडी एक क्रेडिट लिमिट चल रही है, बेसिकली क्या है जो सीजीटीएमएससी इट इज ऑल्सो क्रेडिट लाइन, ठीक है, तो आपका जो एसेट के ऊपर भी क्रेशन कर रखा होगा वो आपका मल्टीपल में नहीं जाएगा, कोई भी बैंक आपकी वॉइस ब्रेक ब्रेक हो रही है सर, वॉइस ब्रेक हो रही है सर, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है कि सर आप अपर बैंक से जाके अपर वाले बंदे से एक बार बात करके देखो आपकी प्रॉब्लम। अच्छा अभी भी हो रही है? हाँ सर मैं अभी सुनाई दे रही है, क्या हुआ था अभी सुनाई दे रही है सर? हाँ जी आपका सेल्स अचीव नहीं हुआ है तो उसपे क्या बोल तो उसपे क्या बोलना चाहिए सर उनको अभी? संजय जी यू कांट ऑप्ट, मतलब आप वो सीजीटीएमएससी नहीं ले सकते हैं, आप हमारे थ्रू अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन ओडी ले लो, 3-4% का आपका रेट का डिफरेंस आएगा, बट वो आपको मिल जाएगा, उसमें इतना परेशानी नहीं आएगी आपकी, ठीक है सर। तो आपका सजेशन है कि इसमें नहीं बनेगा सर, उसमें क्या है ना आपका मैं आपको बताता हूँ क्या इनका सिंपल सा फॉर्मूला है सीजीटीएमएससी का भी, आपके जो टर्नओवर है उसका 20 से 25% तक का आप अवेल कर सकते हो सीजीटीएमएससी, दिस इज अ थंब रूल।
ओके 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 और एनी वर्किंग कैपिटल इफ यू से। तो वो लोग क्या बोल रहे हैं अभी 90 लाख को ही अचीव नहीं कर पा रहे हैं आप, तो सीजी के अच्छे बिजनेस कर बिल्कुल ठीक बिजनेस नहीं बिल्कुल ठीक बोल रहे सर वो। तो अभी 90 लाख तो मिलेगा ना सर, मेरे कैसा है सर ये सर मिलेगा आप लेकिन अपना टर्नओवर पे ध्यान दो। कुछ ऐसे अगर आपकी कोई ऐसी बिलिंग आती है ना जिसमें आपको मार्जिन नहीं मिल रहा, प्रॉफिट नहीं उतना कमा पा रहे लेकिन आपकी टर्नओवर मूवमेंट हो रही है, तो आई वुड से कि आप वो बिजनेस को भी कर लो। बिकॉज बिजनेस में ना कई जगह पे जो अपना बिजनेस के अंदर अगर आपको लैंडिंग चाहिए तो कई जगह पे आपको ये बिजनेस कॉल भी लेनी पड़ती है। आपका एक अपना मार्जिन फिक्स है बट यू से कि नहीं यार मेरे को ये धंधा नहीं करना बिकॉज इसमें मार्जिन नहीं है, लेकिन वो धंधा आपको बैंकिंग फैसिलिटी के लिए चाहिए समझो। वीरा फूड जी आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वीरा जी हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हेलो बिल्कुल आ रही है सर, बिल्कुल आ रही है लाउड एंड क्लियर। हाँ जी मैं अहमदाबाद गुजरात से बात कर रहा हूँ। हाँ केम छो सर? बस बढ़िया बढ़िया एकदम। अबे सर सर जी इसमें ऐसा है कि मेरा ट्रेडिंग का बिजनेस है, राइस और मुरमुरा और पोहा का जो रो मटेरियल है ना उसको पैड़ी बोलते हैं, उसका ट्रेडिंग का बिजनेस है। पैड़ी बोले तो डांगर धान। हाँ आई नो वेयर ऑफ सर। अच्छा तो उसके अंदर करंट अकाउंट बंधन बैंक में है मेरा और अभी इसी सर बात की गया कॉल आया था कोई नहीं। अभी 70-80 लाख का इस महीने का टर्नओवर हो चुका है मेरा। अच्छा जी बहुत बढ़िया। और लास्ट ईयर मेरा टर्नओवर था 1.5 करोड़ रुपए ऑडिटेड फॉर्म। ठीक है जी। और अभी मुझे मैंने एक बैंक ऑफ कीमत है मेरी 60 लाख, 25 लाख रुपए का सीसी होम लोन लिया हुआ है। हाँ जी। तो मैं ये सोच रहा था कि 25 लाख सीसी कोई टर्न टेक ओवर कर ले, सॉरी होम लोन टेक ओवर कर ले और सामने मुझे 40 लाख का सीसी दे दे तो मुझे बिजनेस में आसानी रहेगी। बिल्कुल ठीक। आपका अभी करंट तो सीसी भी कह रहे हो ना आप चल रही है? नहीं अभी करंट अकाउंट में बिजनेस कर रहा हूँ सर जी। करंट अकाउंट में बिजनेस कर रहे हो अपना, तो आप सर मिल जाएगा इसमें कोई। हाँ जी, हाँ जी। आपका देखो अभी प्रेफरेंस आपका जहाँ पे आपका बंधन अकाउंट है आप बता रहे हो तो आप वहाँ पे भी पहले अप्लाई करके देख लो, नहीं तो एक बार मुझे आपके फाइनेंशियल और नहीं नहीं वहाँ तो हाउसिंग डेवलपमेंट वाले है ना वो तो टॉप अप देने के लिए रेडी है, लेकिन मुझे सीसी चाहिए क्योंकि मेरा बिजनेस 2 सीजन में आता है ना। बिल्कुल। तो बाकी को मैं ईएमआई भरना नहीं चाहता। समझ गया सर। तो अभी ना एक सेशन के बाद एक आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म आएगा वो आप सबमिट कर देना, मुझे थोड़े से आपके डॉक्यूमेंट लगेंगे एक बार चेक करके मैं आपको कंफर्म कर दूंगा कि whether you are qualifying for that loan amount or not। सिर्फ और दो चीजें और क्लियर करनी थी सर जी, दो चीजें और क्लियर करनी थी। दो कंज्यूमर लोन ऐसी है जिन्होंने जानबूझ के मुझे परेशान किया है, मैंडेट मेरी बैंक में पास नहीं हुआ ना तो उनके लड़के आके कैश लेके जाते थे, तो लेट जितना पेमेंट अपने मेरे खाते में क्रेडिट करते थे वो सारा ओवरड्यू बताते टिल टुडे ओवरड्यू चल रहा है, लेकिन लोन क्लोज हो चुके उसका मेरे पास वो नो ड्यू सर्टिफिकेट है। सर आपने शायद थोड़ा सा देर से ज्वाइन किया है, इसके लिए आपको ना cibil.com पे जाना है, ठीक है? अच्छा, वहां पे डिस्प्यूट फॉर्म है और 1,750 रुपए खर्च करना 6 महीने के लिए वो आपका एप्लीकेबल रहता है। नहीं मैंने 1,250 पूरे साल का करके रखा हुआ है लेकिन वहाँ कोई रिप्लाई नहीं मिलता है। हाँ मैं आपको बता रहा हूँ उसमें रिप्लाई करने का, आप अभी इसमें क्या है किसी आप अपने एम्प्लॉय को लगाओ या अपने फैमिली मेंबर को लगाओ, आपका देखो बिजनेस है आपका डे टू डे में वो काम नहीं बन पाता, इसमें क्या करना है आपको हर हफ्ते रिप्लाई करना है, काइंडली अपडेट करके ना उसपे रोज हफ्ते भर में आपको हर हफ्ते में एक बार करना है, तो अपने को रिमाइंडर लगा के काम करना है। आप देखोगे कि लगातार आप 2 महीने के बाद करोगे तो आपका जो रिक्वेस्ट है वो कई नजरों में आएगा। लोग क्या करते हैं आधी जर्नी तक जाते हैं और उसके बाद थक जाते हैं और आगे कुछ काम नहीं करते, 4-5 बारी डाल के छोड़ देते हैं। आपको क्या है 4 बार 1 महीने में, हफ्ते में 4 वीक होते हैं, चारों वीक में 4 मेल डालो, 8 बार ऐसी मेल जाएगी आपकी हर हफ्ते में,
आपकी मेल अपने आप ही सिबिल में उस फॉरम में पहुंच जाएगी। मेल वाले आपने क्या करना है, ये दोनों जो कंज्यूमर लोन वाले जो डिपार्टमेंट है, इन दोनों को अलग अलग मेल डालनी है कि आपका ऐसा ऐसा मेरा सिबिल पे लोन दिखाई दे रहा है और इसका एनओसी ये है, तो उन दोनों से भी मेल रिसीव करनी है। तो जब तक क्या करता है सिबिल आपका वाला, क्या करता है जो आपकी रिक्वेस्ट है वो एक तो आपकी रिक्वेस्ट को क्रॉस वेरीफाई अपने एंड पे भी करता है, वो एनओसी को अपने से भेजता है वहां पे, चेक कराता है कि ये आपके पास रिक्वेस्ट आई थी क्या ऐसा करके, तो वो बैंक उसको सामने से कंफर्म कर देता है कि हाँ जी मेरे पास कस्टमर की रिक्वेस्ट आई हुई है और ये जेन्युइन कंसर्न है, तो सेम डे में आपका काम होता है। लेकिन आपको ये दोनों साइड काम करना है, एक साइड पे आपका जो कंज्यूमर जिससे लोन लिया उसको मेल डालनी है, साथ में सिबिल पे रेगुलर फॉलो करना है। थोड़ा सा थकाने वाला काम है लेकिन तरीका यही है आज की डेट में, और कोई तरीका नहीं है। ठीक है सर, और ये जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह है उसके अलावा भी आपके पास अगर ये इसका सॉल्यूशन हो, मैं तो मॉर्गेज लेना चाहता हूँ कि मेरा घर है 55 लाख का, उसके सामने सीसी लेनी है, मुझे अनसिक्योर्ड अगर मिलती है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन अनसिक्योर्ड। तो अभी सिबिल स्कोर अगर 650 से नीचे है तो किसी को भी दिक्कत आएगी, तो थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा वो सिबिल भी आपको, या तो अपने को थोड़ा वेट करना पड़ेगा जब सिबिल रेक्टिफाई हो जाए तब कर सकते हैं, बट जब तक सूदिंग नहीं हो रहा ऐसा वो हवा में तीर नहीं चलाएंगे, अपन पहले होमवर्क करके फिर काम करेंगे। नहीं, मैं आपको लास्ट में एक बात बता दूं, 674 सिबिल है। हाँ जी। और पर्सनल लोन स्कोर जो अलग से देता है ना वो 530 कर दिया, ये कंज्यूमर लोन की वजह से वो बहुत घटा दिया। सर आपका जिस दिन ये बंद होगा ना, जिस दिन ये सिबिल रेक्टिफाई करेगा, बिलीव मी आपका अपने आप ही 700 प्लस चलाएगा, क्योंकि ये क्या करते हैं सिबिल वाले, जब से आपका खराब हुआ है ना उससे आपको रेक्टिफाई करके देते हैं, अगर आप जनून आपका कंसर्न उन्होंने कैच किया तो। और ये करीबन है ना, मैं तो इससे थक चुका हूँ, इसलिए कि कंज्यूमर वाले ने बहुत परेशान करके रखा है। सिर्फ लास्ट चीज और बोल दूं, कोटक वाले क्या करते हैं, खाते में बैलेंस पड़ा है ना फिर भी वो ईएमआई डेबिट नहीं करते, और एज पर कस्टमर रिक्वेस्ट करके उसको डेबिट करते हैं, और जिस दिन हमने रिक्वेस्ट नहीं किया तब तक वो डेबिट नहीं करते है खाते से वो अपना लोन का पैसा। सर गूगल पे कोटक मा का नोडल ऑफिसर सर्च करके डालना, ठीक है, नोडल ऑफिसर, हर कम्युनिकेशन का बैंक का नोडल ऑफिसर होता है, ये आप कंसर्न डालना, आपका छोटा सा वैसे प्रॉब्लम है, कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, उसको एनएसीएच बोलते हैं, ECS की जगह पे अब NACH आ गया है, तो वो NACH को आपका ना वो क्वालिफाई नहीं किया, उसका मैंडेट वहां पे रिसीव नहीं हुआ है, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा है, तो वो NACH को दोबारा से ऑपरेशन वाले को वहां से आपसे साइन करा के उसको एस्टेब्लिश करने का होता है, उसके बाद ही वो आपका जो ECS अकाउंट से डेबिट होता है, तो वो आपने ऐसा नहीं है, ECS नहीं है, लोन दिया है कोटक ने और मेरा सेविंग अकाउंट कोटक में और उसी के अंदर से उनको पैसा लेना है। हाँ, तो उसमें एक ऐसा ही होती है स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन करके, आप अभी डालो ना मेल कोटक के कस्टमर केयर पे, फोन ही कर दो अभी, आपका काम हो जाएगा हाथों हाथ। नहीं नहीं सर, मैंने क्या किया, अभी 2 दिन के अंदर मैं पूरा पैसा भर के उसको क्लोज ही करना चाहता हूँ, खत्म कर रहा हूँ मैटर ही, कोटक से रिलेशन ही कट कर रहा हूँ, और क्या करूँगा। अच्छा, तो जिससे तो बात ही खत्म हो जाएगी ना, उसको मैंडेट आए नहीं आए, उसको डेबिट करना है नहीं करना है, उसके साथ पूरा पैसा ही भर देते हैं, बात खत्म है। हाँ, ऐसा भी कर सकते हैं, है ना सर। कोई बात नहीं, आप अपना मतलब नंबर वगैरह भेजिएगा तो मेरा डॉक्यूमेंट शेयर करना है ना। बिल्कुल आता है, है ना, वो आपने कुछ नंबर भेजा हुआ है उसी पे भेजना है सारा कुछ, बातचीत वही करनी है। हाँ बिल्कुल सर, हाँ जी बिल्कुल उसी पे भेजिएगा। ओके सर, तो एक सेशन खत्म होने के बाद आराम से बात करेंगे। हाँ जी, श्योर। सर लास्ट क्वेश्चन मैं कवर अप करूंगी, वासु जी अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप सर से। प्रवि जी आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं सर से। यस सर, सर आई वांटेड टू नो कि यू रफली इंडिकेटेड द डिफरेंशियल कॉस्ट ऑफ कैपिटल बिटवीन सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड एज अबाउट 4%, 4-5%, एम आई करेक्ट और नॉट? करेक्ट सर, करेक्ट, मोर ओवर करेक्ट। Right. Now, why should one go for unsecured rather than factoring, which is See, sir, there is a prospect. There is a two prospect. If the person does secured, yes, can you advise on that? I mean, would you advise factoring? Yeah.
No, sir. I would you still advise unsecured? Sorry? See, sir, the purpose of both are identified in different clauses. As if you have a mortgage for as a collateral, you need a collateral for a mortgage for a taken a, for a like a, for a secured collateral. You need that viable collateral to mortgage, right? If the person doesn't have any collateral to for a mortgage purpose, so what they have to opt a unsecured loan. They didn't have any other further other options. Or if you say there's a second, there's so a what already taken a loan and here sir is a little different. You don't need any. Like we are exporters, right? Hello. Yeah, sir. Yeah, Praveen. We are exporters, right? Now I can do a PCFC with collateral. We can do some unsecured if the turnover goes, or we can do factoring. Now factoring is going to give me 80% of the money upfront, right? See, sir. Right. It's a totally okay, sir. Factoring is now it's like an upcoming. It's a very like a functioning product right now, and it is. As an exporter, so wouldn't that be better than unsecured? I mean, I'm talking primarily on cross-capital. Yes. It's completely all right, sir. Factoring is the most important, like a more important and more appropriate product, if you say so. The factoring is the only instrument we have to, have to offer for export funding. Undoubtedly. Thank you. Just wanted reconfirmation of that. Thank you. Thank you so much. Yep, sir. Okay. आपके पास कोलैटरल फील लोन लेने के लिए कुछ मिनिमम और मैक्सिमम टर्नओवर चाहिए क्या सर इसमें देखिए कोई मिनिमम का एसएच नहीं है बट क्या होता है कि जितना मिनिमम रेट ऑफ आपका रहता है उसमें आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाता है तो 50 लाख से नीचे का अगर आपका टर्नओवर है तो क्वालिफाई करता है मैक्सिमम टर्नओवर 250 सीआर के बाद क्या है काफी बैंक जो है वो अपना कम करने लग जाते हैं बिकॉज इट कम्स इनटू मिड कॉर्पोरेट साइज तो 100 सीआर तक के जिनके टर्नओवर है उसको रिटेल में एमएसएमई में काउंट करते हैं बहुत सारी चीजें हैं 250 सीआर तक को भी हम उसको कहीं ना कहीं एलिजिबल में काउंट करते हैं मैक्सिमम टर्नओवर में बात कर रहा हूँ मिनिमम में मुझे 50 लाख रुपए की टर्नओवर चाहिए तो इसमें सर्विस वालों को थोड़ी दिक्कत आती है बिकॉज उनकी तो फीस जो होती है वो टर्नओवर में काउंट होती है तो वो वहां पे थोड़ा सा प्रॉब्लम कंसर्न एरिया है ट्रेडिंग के अंदर और मैन्युफैक्चरिंग वालों के लिए ये बिजनेस में बिजनेस लोन देना बड़ा इजी हो जाता है तो इसमें ये चीजें हैं ऋचा जी ओवर टू यू सर थैंक यू सो मच सर काफी इंफॉर्मेटिव आज का वेबिनार रहा और काफी ज्यादा पार्टिसिपेंट्स इंटरेक्ट कर पा रहे थे आपसे और होप सभी के क्वेश्चंस को कवर कर दिया हो हमने और थैंक यू सो मच सर आपने आज अपना कीमती समय निकाला आज के वेबिनार के लिए थैंक यू सो मच सर ज्वाइनिंग अस